हेलो स्टूडेंट्स, अब बारी है एक एनसी वॉट एमसीक्यू की बेस्ड ऑन द एपिडर्मल टिश्यू और वाइल सॉल्विंग द एमसीक्यू, क्योंकि एमसीक्यू को सॉल्व करने का टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कुछ बेसिक चीज मैं आपको बताऊंगा. व्हेन यू विल बी सेल्फ स्टडिंग, यू विल बी सॉल्विंग द एमसीक्यू फ्रॉम द डिफरेंट सोर्सेज जो आपको मिलते हैं. ओके, आपके पास एक ऐसे रेफरेंस बुक्स रहेंगे, अलग अलग कैसे पब्लिकेशन अगर आपको है, तो कैसे एमसीक्यू को आपको सॉल्व करना है. ओके, मैं आपको अभी बताऊंगा. तो चलिए एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं. तो इसका लाइव सेशन भी हम लोग लेने वाले हैं, मेंटीमीटर से भी लेंगे, लेकिन आज बेसिक थिंग्स अबाउट एमसीक्यू जब आप प्रिपरेशन करते हो. ओके, सेल्फ स्टडी करते हो, क्योंकि सेल्फ स्टडी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द एकेंसी नीट. ओके, तो चलिए. तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या है. तो हम लोग सबसे पहले इजी क्वेश्चन को लेते हैं. ओके, सो दिस टिश्यू हैज मल्टीपल ओरिजिन. तो ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन को हमेशा दो बार, कम से कम दो बार आपको रीड करना है. तो ऑप्शंस देख लेते हैं. तो पहला ऑप्शन है एपिथेलियम, सेकंड इज नर्वस, थर्ड इज ब्लड एंड फोर्थ इज मस्क्यूलर. तो मल्टीपल ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि एक टिश्यू जो है उसका बेसिक ओरिजिन जो है, उसका फॉर्मेशन किस फंडामेंटल टिश्यू हुआ है. फंडामेंटल टिश्यू कौन सा है आपका? फंडामेंटल टिश्यू जो है उसको कहते हैं आपका एम्ब्रियोनिक लेयर्स. तो एनिमल में जैसे मैंने बताया आपको कि वी हैव गॉट थ्री लेयर्स, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और आपका मेसोडर्म. तो कोई भी एनिमल जनरली, जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनका बॉडी जनरली तीन लेयर, तीन फंडामेंटल, जिनको जर्माइनल लेयर्स भी कहते हैं. तो दे आर आल्सो कॉल्ड जर्माइनल लेयर. तो बी केयरफुल, दिस जर्माइनल लेयर इज नॉट रिलेटेड टू, यू कैन सी द रिप्रोडक्शन, दिस इज द बेसिक. यू कैन सी जो स्टेम सेल्स भी होते हैं, जिससे बॉडी के स्टेम सेल्स तैयार होते हैं, वो तो एम्ब्रियोनिक लेयर, जो एम्ब्रियोनिक कंडीशन में डेवलप होता है उसको जर्माइनल भी कहते हैं. ओके, तो जर्म का एक्चुअली मतलब क्या होता है, बेसिक मतलब जर्म का क्या होता है बता देता हूं आपको. जर्मिनेट, आपको मालूम है जर्मिनेट, जर्मिनेट का मतलब होता है ग्रो करना. ओके, तो जर्माइनल लेयर एक तो हो गया आपका रिप्रोडक्टिव वैकेंसी ऑर्गन्स में, टेस्टिस और ओवरी, वो जर्माइनल एपिथेलियम है. लेकिन जब आप जर्माइनल लेयर बोलते हो तो जर्माइनल लेयर एक वैकेंसी व्हाट ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है. इसमें कोई भी वैकेंसी लेयर जिससे नए सेल्स बन सकते हैं, ओके, उसको जर्माइनल लेयर कहते हैं. और एनिमल्स में जो फंडामेंटल वैकेंसी जो लेयर्स हैं वो तीन है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड व्हाट मेसोडर्म. इसमें मस्क्यूलर जो टिश्यू है इट इज डिराइव्ड ओनली फ्रॉम मेसोडर्म. ब्लड जो है ये भी डिराइव होता है ओनली फ्रॉम मेसोडर्म. ओके, नर्वस टिश्यू जो है वो डिराइव होता है फ्रॉम एक्टोडर्म. लेकिन एपिथेलियल टिश्यू, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि हर ऑर्गन का कवर रहता है, आउटर होगा या इनर होगा. ओके, फिर वो ऑर्गन जो है या तो एक्टोडर्म से बनता है, एंडोडर्म से बनता है या मेसोडर्म से बनता है. ओके, तो हर ऑर्गन का जो लेयर है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन उस ऑर्गन का ओरिजिन कैसे हुआ है. तो नेचुरली एपिथेलियल टिश्यू जो है वो एक्टोडर्म से भी डेवलप होता है, वो एंडोडर्म से भी डेवलप होता है और मेसोडर्म से भी डेवलप होता है. तो अल्टीमेटली क्वेश्चन क्या है, दिस टिश्यू हैज मल्टीपल ओरिजिन. तो आपका एपिथेलियल टिश्यू जो है वो तीनों, यू कैन सी, जर्म लेयर से डेवलप होता है. बिकॉज बॉडी का कोई भी पार्ट जो है, बॉडी का हर पार्ट जो है, ओके, इन तीनों लेयर से ही डेवलप होता है, या तो किसी एक सिंगल या मल्टीपल से. तो उसके लिए उसका जो कवर रहेगा, चाहे वो इंटरनल है या एक्सटर्नल है, वो एपिथेलियम ही रहेगा. ओके, तो एपिथेलियम कैन बी एक्टोडर्म डिराइव्ड या एंडोडर्म डिराइव्ड या मेसोडर्म डिराइव्ड. ओके, सो दैट्स व्हाई. तो यहां पे हमारा एक पॉइंट आ गया आपका ओरिजिन. तो ओरिजिन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू इज मल्टीपल. तो आपका एपिथेलियम, एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म तीनों लेयर से डेवलप होता है. ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज व्हाट? एपिथेलियम. देखिए एपिथेलियम का जो बॉक्स है वो हरा हो गया है, तो यानी कि एपिथेलियम इज द राइट आंसर. ओके, तो अभी एक बात और मैं आपको बताता हूं. जब आप किसी एमसीक्यू को सेल्फ स्टडी में स्टडी कर रहे हैं तो राइट आंसर तो आपको मिल जाएगा. ओके, वो कैसे करना है उसका मैं स्पेशल आपको वीडियो बताऊंगा, लेकिन बाकी टर्म्स क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है, ये भी अगर आपने कर लिया तो इसके लिए एक एमसीक्यू को जब आप एक ऐसी मेरे मेथड से, जो मैं आपको बताऊंगा जब वो सेशन आएगा, आप सॉल्व करते हो या उसको अंडरस्टैंड करते हो, शुरुआत में थोड़ा सा आप स्लो जाओगे, लेकिन बाद में एक एनसी इट विल बी वेरी ब्यूटीफुल, आपको बहुत ही ईजी जाएगा. तो एक क्वेश्चन, एक एमसीक्यू को, एक एनसी वॉट जब आप एनालिसिस करोगे ठीक से,
उसको स्टडी करोगे तो एक एमसीक्यू से एक कंसेप्ट नहीं, आपको चार कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, ओके? क्योंकि राइट आंसर आपको मिल गया लेकिन बाकी के जो वैकेंसी तीन ऑप्शन है वो भी किसी ना किसी कंसेप्ट से रिलेटेड है। इसके लिए जब तक आपके चारों कंसेप्ट वैकेंसी क्लियर नहीं होंगे तब आप राइट आंसर को नहीं वैकेंसी मार्क कर सकते हो। तो इसके लिए एमसीक्यू को जब आप वैकेंसी सॉल्व करोगे तो नेचुरली आपको हर ऑप्शन का नॉलेज होना जरूरी है, तभी जाके आप राइट आंसर जो है उसको आप क्लिक कर पाओगे या उसको मार्क कर पाओगे। चलिए अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या आ रहा है। सेकंड क्वेश्चन है, मैक्सिमम रीजनरेशन पावर इज फाउंड इन विच टाइप ऑफ टिश्यू। नेचुरली तो इसमें ऑप्शन देखो, नर्वस है, एपिथेलियल है, कनेक्टिव है और मस्क्यूलर है, ओके? तो रीजनरेशन मतलब अगर कोई सेल मर गया, ओके, तो बॉडी में देखो इतने 300 ट्रिलियन टाइप के सेल्स हैं, 200 बेसिक टाइप के सेल्स हैं, तो हर सेल का एक लाइफ होता है, हर सेल का एक जीवन काल। जैसे आरबीसी जो है उसका लाइफ होता है 120 डेज, और 120 डेज के बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन जितने आरबीसी मरते हैं उतने पैदा होते हैं, ओके? तो रीजनरेशन मींस फॉर्मिंग न्यू सेल्स, रीजनरेट होना, जनरेट मतलब ग्रो होना, यानी कि कहीं पर अगर डैमेज हो गया है, ओके, और यू कैन सी द सेल नॉर्मली कैन सी उसका डेथ हो गया है, या किसी वजह से अगर सेल को रिप्लेस करना है तो उस एबिलिटी को हम लोग रीजनरेशन कहते हैं। तो रीजनरेशन इज एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू रिप्लेस द ओल्ड सेल, डेड सेल्स एंड वर्न आउट सेल्स, ओके? तो इसमें से तो रीजनरेशन पावर हर एक टिश्यू में है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा आपका एपिथेलियल टिश्यू में है, क्योंकि एपिथेलियल टिश्यू इज द वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टिश्यू। हर ऑर्गन में आपको एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा ही, जो उसका कवर बनाता है, प्रोटेक्शन करना है, और प्रोटेक्शन की बात आती है तो नेचुरली डैमेज होना ही चाहिए, ओके? तो एपिथेलियल टिश्यू जो है उसका काम है आपका वही रीजनरेशन पावर सबसे ज़्यादा, यानी कि अगर कहीं पे जैसे आपको स्किन में जब कट हो जाता है तो कुछ दिनों में फिर से वहाँ पे नया स्किन आ जाता है, तो भाई इंटरनल डैमेज हुआ है, एक्सटर्नल डैमेज हुआ है, एपिथेलियल टिश्यू विल ऑलवेज ग्रो, ओके, टू रिप्लेस द डेड, डीकेइंग एंड नॉट वर्न आउट सेल्स, ओके? क्योंकि रिपेयरिंग करना है हमको, हीलिंग करना है हमें, ओके? फिर इसके बाद में जो दूसरा है, सेकेंड, अभी देखो सबसे मैक्सिमम की बात करेंगे तो एपिथेलियल टिश्यू हैज द मैक्सिमम पावर, और मिनिमम किसका है, मिनिमम इज नर्वस, यानी कि नर्व, दैट्स व्हाई नर्वस टिश्यू अगर डैमेज हो गया तो उसका रिपेयरिंग कुछ केसेस में ऑलमोस्ट नहीं होता है। इसके लिए ब्रेन डैमेज हो गया तो ऑलमोस्ट परमानेंट होता है, बिकॉज ओके सम ब्रेन सेल्स जो होते हैं, ज़्यादा करके जो नर्व सेल्स होते हैं, एक बार वो ग्रो हो गए, फॉर्म हो गए, तो नेचुरली कैन सी अगर वो डिस्ट्रॉय हो गए तो नेचुरली नर्वस फंक्शन इज गेटिंग अफेक्टेड, ओके? तो नर्वस टिश्यू में रीजनरेशन पावर मिनिमम होता है। फिर अगर कनेक्टिव मस्कुलर की बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यू के बाद, तो मैक्सिमम के हिसाब से ये है फर्स्ट नंबर, फिर कनेक्टिव इज सेकंड, मस्कुलर इज थर्ड, और आपका फोर्थ होगा आपका नर्वस, ओके? तो इस तरह से आपको एनालिसिस करना है। तो यहाँ पे कुछ भी क्वेश्चन आ सकता था, यू कैन सी मिनिमम रीजनरेशन अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो आपका आंसर हो जाता नर्वस, तब आपका आंसर नर्वस हो जाता, इजंट इट, ओके? तो मल्टीपल टाइप से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकता है, तो दैट्स व्हाई रीड द क्वेश्चन यू कैन सी टू टाइम, एटलीस्ट टू टाइम्स, एंड देन यू कैन सी व्हाट, रीड द ऑप्शन आल्सो टू टाइम्स, तभी जाके आप क्या है आंसर को प्रॉपरली मार्क कर सकते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए क्या आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन है, दिस इज नॉट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एपिथेलियम, ओके? अभी हमने एपिथेलियम के बेसिक फंक्शंस देख लिए थे, और भी बहुत सारे फंक्शंस है जो हम लोग यू कैन सी रेगुलर लेक्चर्स में यू कैन सी उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो व्हाट आर द फंक्शंस, देखिए फंक्शंस आ रहा है आपके पास, तो सीक्रेशन बोल रहे हैं, रिप्रोडक्शन है, स्टोरेज है, आपका सेंसेशन है, तो वेरी क्लियर सीक्रेशन होता है, ग्लैंडुलर जो है सीक्रेशन इज डन बाय द ग्लैंडुलर एपिथेलियम, ओके, देन रिप्रोडक्शन इज डन बाय द जर्माइनल एपिथेलियम, देन सेंसेशन इज डन बाय द सेंसरी एपिथेलियम, सो दे आर द स्पेशल एपिथेलियम, क्योंकि उनका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन नहीं है, उनका मेन फंक्शन है सीक्रेशन, ग्लैंडुलर, जर्माइनल फॉर रिप्रोडक्शन, जर्म सेल्स, सेक्स सेल्स इसमें तैयार होते हैं, और आपका सेंसरी सेंसेशन को डिटेक्ट करना, फिर अल्टीमेटली आंसर है आपका व्हाट, स्टोरेज। तो स्टोरेज इज नॉट वन ऑफ द फंक्शन ऑफ द एपिथेलियम, तो स्टोरेज फिर किसका है, यहाँ पे अभी देखो, ओके? तो अगर यू कैन सी आपको आंसर तो मिल गया भाई, स्टोरेज जो है वो एपिथेलियम का फंक्शन नहीं है, तो स्टोरेज किस टिश्यू का फंक्शन है, वो है कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू में कुछ जो टाइप्स होते हैं उनमें स्टोरेज होता है, फूड का स्टोरेज, कैल्शियम, देखिए बोन इज द स्टोरेज ऑफ व्हाट, आपका कैल्शियम, ओके, देन फैट, आपको मालूम है फैट, फैट भी इसमें आता है, ओके, कनेक्टिव टिश्यू में फैट आता है आपका। तो देखिए, तो इस तरह हर ऑप्शन जो है
वो किसी न किसी कंसेप्ट से रिलेटेड होगा। इसके लिए खाली राइट आंसर मिल गया ओके, बल्ले बल्ले नहीं करना है, बाकी जितने भी ऑप्शंस है उसका भी रिलेशनशिप आपको मालूम होना चाहिए ओके। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या आ रहा है। तो फोर्थ क्वेश्चन जो है वो है, देखिए, दिस इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। तो हमने एक ऐसी बेसिक एक ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, लेकिन कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जो है हमें अभी इस क्वेश्चन से मिलेंगे, उसके ऑप्शन से मिलेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू अवैस्कुलर है, दूसरा सेल्फ रिन्यूअल होता है आपके एपिथेलियल टिश्यू में, देन कॉम्पैक्ट है क्या, और हैव इंटरसेलुलर स्पेस। नाउ इस टाइप का नेगेटिव टाइप के जो एक ऐसे स्टेटमेंट्स रहते हैं, क्वेश्चन रहते हैं, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने आपको बोला एक ऐसी ईजी है क्वेश्चन, लेकिन एक ऐसी ट्रिकी हो जाता है ओके, नॉट जो है वो कन्फ्यूज कर देता है कि भाई हमें करना क्या है। तो यस कंसेप्ट के हिसाब से फिर हम लोग क्या है आंसर को ढूंढते और फिर रॉन्ग हो जाता है ओके। नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक मतलब इनमें से एक कैरेक्टरिस्टिक ऐसा है जो एपिथेलियल टिश्यू शो नहीं करता है। तो पहले नेचुरली वी हैव टू नो ऑल द एकेंसी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, पहले देख लेते हैं ओके। हर एक का मीनिंग क्या है, अवैस्कुलर, अवैस्कुलर में अ का मतलब होता है नॉट, वैस्कुलर मीन्स सप्लाई ऑफ ब्लड, सप्लाई ऑफ ब्लड ओके। तो एपिथेलियल टिश्यू के थ्रू जनरली ब्लड सप्लाई जो है वो बोल रहे हैं कि नहीं होता है, यस नहीं होता है। तो एपिथेलियल टिश्यू इज अवैस्कुलर। फिर दूसरा बोल रहे हैं सेल्फ रिन्यूअल, अभी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, रीजनरेशन, ये भी है। तो रीजनरेशन की एबिलिटी जो है वो एपिथेलियल टिश्यू में होती है, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। थर्ड बोल रहे हैं कि एपिथेलियल टिश्यू कॉम्पैक्ट है, कॉम्पैक्ट मतलब क्लोजली पैक्ड, यस इट इज क्लोजली पैक्ड, इट इज क्लोजली पैक्ड, बराबर है ओके। और फिर फोर्थ देखिए, फोर्थ है हैज इंटरसेलुलर स्पेस या हैव, इट इज रॉन्ग। इंटरसेलुलर स्पेस जो है इट इज एब्सेंट। तो अल्टीमेटली आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक है, इजंट इट। इसका करेक्ट आंसर आपका क्या है, डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन में यू हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल, क्योंकि अगर आप यू कैन सी जल्दीबाजी करेंगे तो नेचुरली विल गेट ए यू कैन सी रॉन्ग ऑप्शन। तो इसके लिए एवरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पर्टिकुलर कंसेप्ट आपको क्या है दिमाग में फिट होना चाहिए ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है स्कॉमस एपिथेलियम को क्या कहते हैं। तो इसका मैंने कैसे हिंट दिया था, स्कॉमस मतलब आपका क्या है, फ्लैट सेल्स है, ये फ्लैट सेल्स है। तो क्या कहते हैं देखिए, इसमें भी कंफ्यूजन हो सकता है। तो स्कॉमस एपिथेलियम जो है, नेचुरली एपिथेलियम बोलेंगे तो फिर आपके दिमाग में आएगा प्रोटेक्शन, तो पहले ऑप्शन को आप मार्क कर दोगे, रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट इज पेवमेंट, यू कैन सी फुटपाथ, पेवमेंट इज व्हाट, फुटपाथ। तो फुटपाथ में देखिए टाइल्स होता है, टाइल्स एंड दे आर क्लोजली पैक्ड, इजंट इट, दे आर क्लोजली पैक्ड। चलिए स्ट्रेटम मेम्ब्रेन, स्ट्रेटम का मतलब होता है लेयर, और देन इट इज लूज, सॉफ्ट एंड लूज मेम्ब्रेन ओके। तो अभी क्या लगता है आपको, तो स्कॉमस एपिथेलियम जो हमने देखा था, जो सबसे बेसिक था कि फ्लैट सेल्स है, साइड में देखेंगे तो सेल्स आर वेरी फ्लैट, जब टॉप व्यू में देखेंगे तो सेल्स जो है दे आर कैन सी वेरी क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी इंटरसेल्युलर स्पेस। और ऐसे लगता है कि आप फुटपाथ पे चल रहे हैं जहां पे टाइल्स रहते हैं ओके। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो है स्कॉमस एपिथेलियम इज ऑल्सो कॉल्ड पेवमेंट मेम्ब्रेन। तो दीज आर सर्टन बेसिक थिंग्स, इसके लिए कहीं पे भी आपको नेचुरली इट इज ऑल्सो कॉल्ड, उस पे आपको यू कैन सी ध्यान देना है ओके। क्योंकि स्पेसिफिक यू कैन सी जितने ज़्यादा करके जो आपके बायोलॉजी का टर्म है या यू कैन सी कोई भी कंसेप्ट है उससे कुछ रिलेटेड यू कैन सी स्पेसिफिक टर्म्स यूज किया जाता है। तो एपिथेलियल जो स्कॉमस एपिथेलियम है उसको पेवमेंट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, सीलिएटेड एपिथेलियम इज नॉट फाउंड इन। तो सीलिएटेड एपिथेलियम मीन्स एक ऐसा एपिथेलियम जिसके आउटर सरफेस में होता है सीलिया, जिसको ब्रश बॉर्डर भी कहते हैं, उसको ब्रश बॉर्डर भी कह सकते हैं ओके। नाउ बी केयरफुल, एक और ब्रश बॉर्डर होता है जब यू गॉट यू कैन सी एक्सटेंशन, सेल का एक्सटेंशन रहेगा लाइक दिस, फिंगर लाइक एक्सटेंशन लाइक दिस ओके। ये एक सेल हो गया, देन यू गॉट दूसरा सेल्स, इनको कहते हैं माइक्रोविलाय,
ओके, तो ये हो गया आपका सीलिया. तो बी केयरफुल, सीलिया इज डिफरेंट. सीलिया हेल्प्स इन यू कैन सी मूवमेंट एंड लोकोमोशन. और माइक्रोविलाय का काम होता है एब्जॉर्प्शन. तो जहां जहां पे एब्जॉर्प्शन की जरूरत है, जैसे इंटेस्टाइन का इनर लाइनिंग, उसमें आपको माइक्रोविलाय मिलेंगे. सीलिया जहां पे आपको मूवमेंट चाहिए, तो जहां पे भी आपको मूवमेंट चाहिए, ओके, वहां पे यू कैन सी ब्रश बॉर्डर होगा, ओके, सीलिएटेड यू कैन सी एपिथेलियम रहेगा. तो चलिए, तो ऑप्शन देखिए क्या है. ओविडक्ट, रिनल टिब्यूल, ट्रकिया एंड ब्लड कैपिलरी. तो वेरी क्लियर, यू कैन सी सीलेटेड एपिथेलियम आपके ब्लड कैपिलरीज में नहीं होता है. उसका कारण ब्लड कैपिलरी, दे आर स्कॉमस. ओके, तो कुछ ट्रिक ऐसा है कि भाई अगर आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, फिर ऐसा ऑप्शन फाइंड करो जिसका दूसरा यू कैन सी वो रिलेटेड ही नहीं है, क्योंकि सीलेटेड एपिथेलियम कभी भी स्कॉमस एपिथेलियम में नहीं होता है. तो सीलेटेड एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं या तो कुबोइडल होंगे, नहीं तो आपका वॉट कॉलमनर रहते हैं. तो कॉलमनर एंड कुबोइडल एपिथेलियम में ही आपको सीलिया मिलेगा, विद बी प्रेजेंट और सीलिया, स्कॉमस में नहीं होता. और ब्लड कैपिलरी आपको मालूम है, ब्लड कैपिलरी इज द थिनेस्ट यू कैन सी ब्लड वेसल, जो सिंगल लेयर का स्कॉमस सेल्स होता है, तो उसमें सीलिया होना नहीं है. ओके, तो उसके लिए राइट आंसर आपका क्या है, इधर ब्लड कैपिलरीज है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 7. एपिथेलियम ऑफ ब्रोंकियोल इज नॉट. तो ब्रोंकियोल अगर आपको मालूम है, ब्रोंकियोल इज द ट्यूब, ओके, फाइन ट्यूब्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट. जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसके फाइन ट्यूब्स है, जो इमर्ज कैसे होते हैं, ब्रोंकस से, फ्रॉम ब्रोंकस. और ब्रोंकस अराइज होता है फ्रॉम व्हाट, ट्रकिया. वो ट्रकिया से अराइज होता है. नाउ तो ध्यान देना, अभी बहुत सारे क्वेश्चन जो नीट में आते हैं वो एक, जैसे बोला, एक कंसेप्ट और दूसरे कंसेप्ट. तो इसके लिए देखिए, ब्रोंकियल हो गया वो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है, और एपिथेलियम आ गया मतलब वो आप देखो एनिमल टिश्यू से रिलेटेड है. दो अलग अलग कंसेप्ट जो है आपको मालूम होने चाहिए. ओके, तो सीलेटेड बोल रहे हैं, कॉलमनर बोल रहे हैं, सिंपल बोल रहे हैं, कुबोइडल बोल रहे हैं. तो व्हाट इज द राइट आंसर, ब्रोंकियल्स जो है. ओके, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, ये आपका है ट्रकिया, दिस इज द ट्रकिया पार्ट, उसके दो ब्रांचेस दैट इज ब्रोंकस, और फिर लंग्स है आपका, दिस इज योर लंग. तो आपको जो ब्रोंकस है वो ब्रांच होता है, और जो सबसे छोटे ब्रांचेस तैयार हो जाते हैं उनको हम लोग कहते हैं ब्रोंकियोल्स. ओके, तो दीज आर द ब्रोंकियोल्स. और ब्रोंकियोल को अगर आप देखोगे, इनर लाइनिंग जो है वो रहता है कुबोइडल सेल्स का, लाइक कट सेक्शन में आपको देखेगा कुबोइडल सेल्स रहेंगे. तो कुबोइडल सेल्स है, ये है, फिर वो सिंपल सिंगल लेयर का होता है, इसके लिए सिंपल है, और उसमें सीलिया होता है. तो इट कंटेन व्हाट, सीलिया. तो कौन सा ऑप्शन अभी नहीं है, तो ऑप्शन विच इज द आंसर इज द कॉलमनर. तो दिस इज द आंसर. ओके, तो जो भी राइट आंसर है वो देखिए ग्रीन से पॉप आउट हो रहा है. ओके, तो एपिथेलियम ऑफ ब्रोंकियोल इज नॉट कॉलमनर, इट इज इनडायरेक्टली एपिथेलियम ऑफ ब्रोंकियोल इज सिंपल कोबोइडल एंड व्हाट, सीलिएटेड. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज ए फॉल्स स्टेटमेंट रिगार्डिंग एपिथेलियल टिश्यू. तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. ओके, फॉल्स स्टेटमेंट, आपको चार स्टेटमेंट देंगे, उसमें से नेचुरली या तो आपको पूछेंगे कितने फॉल्स है, कितने राइट है, कौन कौन से एकेंसी फॉल्स है, कौन कौन से राइट है. तो अलग अलग वैरायटी से एकेंसी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. ओके, तो हम लोग देखेंगे विद द एकेंसी आपको मीन सेक्शंस में. सेल्स आर अरेंज इन टू और मोर लेयर्स इन द कंपाउंड एपिथेलियम. सिंपल एपिथेलियम इज कंपोज ऑफ मोनो लेयर ऑफ सेल्स. सेल्स आर लूजली पैक्ड विद लिटल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स. द स्कॉमस एपिथेलियम सेल्स हैव इरेगुलर एंडोथेलियम. ओके, तो इसमें फॉल्स स्टेटमेंट है आपका कौन सा. देखिए पहला तो राइट है, दो या दो से ज्यादा लेयर वो कंपाउंड एपिथेलियम, ये राइट है. ओके, सिंपल एपिथेलियम सिंगल लेयर का होता है, ये राइट है. जो आपका स्कॉमस एपिथेलियम है उसके इरेगुलर यू कैन सी एंडोथेलियम होता है. ओके, जो सेल्स आर लूजली पैक्ड नहीं है, लूजली वर्ड ने हिंट दे दिया. ओके, इट इज कॉम्पैक्ट. ओके, तो ये वर्ड जो है उसकी वजह से ये आंसर आपका राइट आंसर है. तो फॉल्स स्टेटमेंट, दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, फॉल्स. ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू में जो सेल्स है दे आर क्लोजली पैक्ड, दे आर नॉट लूजली पैक्ड. तो एक्चुअल आंसर होना चाहिए, दिस शुड बी व्हाट, क्लोजली
या कॉम्पैक्टली पैक्ड, तो कि एक वर्ड की वजह से यू कैन सी आपको आंसर मिल जाएगा. तो दैट्स व्हाई यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस वेरी वेरी केयरफुली, क्योंकि अगर आपने केयरफुली रीड नहीं किया तो इट कैन यू कैन सी बी वेरी डेंजरस. ओके, देखो सो राइट आंसर इज द सी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. लोअर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन एपिडर्मिस, तो अभी हमने डिस्कस किया था. तो स्किन एपिडर्मिस जो है वो है स्ट्रेटिफाइड लेयर, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम है. ओके, जो कंपाउंड टाइप में पाया जाता है, इट इज अ कंपाउंड टाइप. तो इट इज हैविंग द बेसमेंट मेम्ब्रेन. बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है उसमें ये पहला सेल लेयर होगा, फिर उसके बाद में नेचुरली द सेल्स जब डिवाइड होता है तो नए सेल्स जो होते हैं दे आर पुश्ड इन आउटर यू कैन सी व्हाट डायरेक्शन, और फिर बनता है सबसे टॉप लेयर. दिस इज द यू कैन सी व्हाट अरेंजमेंट, करेक्ट. तो हर लेयर को यू कैन सी नाम दिया जाता है. तो हर लेयर को जो नाम दिया जाता है उसका बेसिक है स्ट्रेटा. स्ट्रेटा का मतलब क्या होता है? लेयर. चलिए तो इधर बोल रहा है विच इज द लोअर मोस्ट, सबसे लोअर मोस्ट मतलब ये दिस, इसके बारे में पूछा जा रहा है. ओके, ये क्या है? चलो स्ट्रेटम कॉर्नियम बोल रहे हैं, स्ट्रेटम स्पॉन्जियोसम बोल रहे हैं, स्ट्रेटम जर्मी नैटिवम बोल रहे हैं, स्ट्रेटम मैलफीजी बोल रहे हैं. ओके, तो इन अवर डिस्कशन जो शॉर्ट डिस्कशन हमने एबिलिटी टिश्यू का किया था, तो राइट आंसर ना एक्चुअली क्या है? स्ट्रेटम जर्मी नैटिवम. जर्मी नैटिवम बिकॉज इट कैन डिवाइड, जर्मिनेट हो सकता है. देखो ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, जर्मिनेट मतलब टू डिवाइड. ओके, टू ग्रो, टू फॉर्म न्यू सेल्स. ओके, कॉर्नियम जो है वो सबसे ऊपर वाला लेयर है. ओके, और मैल्फी जो है बीच वाले जितने भी लेयर्स है ये सब लेयर्स ये आपके क्या है? स्ट्रेटम मैल्फीजी है, इजंट इट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. टेंथ क्वेश्चन पे आ गया. सेल्स ऑफ स्ट्रेटम जर्मी नैटिवम आर ऑफ दिस टाइप. अभी प्रीवियस क्वेश्चन जो था तो सेल्स कैसे थे जर्मी नैटिवम के? तो दे वर वेरी इजी, दे वर क्यूबॉइडल सेल. तो जनरली वो क्यूबॉइडल होते हैं और जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ पुश होते हैं दे बिकम फ्लैटर एंड फ्लैटर, और जब सबसे ऊपर वाला लेयर बनता है वो होता है स्ट्रेटम कॉर्नियम, ऑलमोस्ट फ्लैट लेयर का, डेड सेल्स का जो केराटिन का बना होता है. ओके, तो इसके लिए ईच एंड एवरी कैन सी जो आपका कंसेप्ट है या टॉपिक है उसके सारे पॉइंट्स यू कैन सी हमें दिमाग में डालना है. तो वी है दैट्स वाई द रीडिंग पार्ट जो है, रीडिंग पार्ट स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट है, रीडिंग पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. चलिए नेक्स्ट. यूरेथ्रा वजाइना एंड इसोफेगस हैव दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम. तो यूरेथ्रा आपको मालूम है इट इज द यू कैन सी वॉट टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम. यूरिनरी ब्लैडर से यूरिन को पास करने वाला शॉर्ट ट्यूब इन फीमेल एंड लॉन्ग ट्यूब इन व्हाट मेल, उसको यूरेथ्रा कहते हैं, जिससे यूरिन बाहर की तरफ एक्सपेल होता है. वजाइना इज द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट ऑफ द फीमेल, द इनिशियल पार्ट ऑफ द यू कैन सी व्हाट फीमेल, जहां पे यू कैन सी कॉपुलेशन होता है, मेल अपने स्पर्म्स को डिलीवर करता है. एंड इसोफेगस मीन फूड पाइप, इसोफेगस इज द फूड पाइप. ओके, तो ये आपका फूड पाइप है. तो इनमें किस टाइप का एपिथेलियम होना चाहिए अभी मैंने आपको हिंट बता दिया. ओके, तो स्क्वामस बोल रहे हैं, स्ट्रेटिफाइड बोल रहे हैं, कॉलमनर बोल रहे हैं, सिलिटेड बोल रहे हैं. ओके, तो सेम देखो फ्रिक्शन पार्ट इज इंपॉर्टेंट. तो जहां पे कैसे स्किन में फ्रिक्शन होगा तो वहां पे सिंगल लेयर से काम नहीं चलेगा, वहां पे आपको मल्टीपल लेयर चाहिए. तो स्क्वामस तो बिल्कुल नहीं, कॉलमनर जो है सिंगल लेयर का नहीं होना चाहिए, सिलिएटेड की यहाँ पे जरूरत नहीं है. तो आंसर है आपका वार्ड स्ट्रेटिफाइड. तो स्ट्रेटिफाइड लेयर मतलब मल्टीपल लेयर चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फ्रिक्शन होगा जो सेल्स हैं उनका यू कैन सी वन आउट होना या डैमेज होने का चांस ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन होगा. यूरेथ्रा में फ्रिक्शन होगा बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ यूरिन, वजाइना में बिकॉज ऑफ द यू कैन सी फ्लो ऑफ द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड. जो फीमेल होता है उसमें रेगुलरली 28 डेज में मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो है वो बाहर निकल जाता है, तो उसके फ्लो से फ्रिक्शन होगा. एंड ड्यूरिंग कॉपुलेशन मीटिंग में जब मेल पेनिस को अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को फीमेल में इंसर्ट करता है उस टाइम पे फ्रिक्शन होगा. तो वहाँ पे फिर इसोफेगस पासेस द यू कैन सी व्हाट फूड जो है, तो वहाँ पे फ्रिक्शन होता है, वहाँ पे स्ट्रेटिफाइड चाहिए. ओके, ताकि फ्रिक्शन ना हो. ओके, और फ्रिक्शन के साथ साथ अगर स्किन पील होता है तो नया यू कैन सी लेयर बनना चाहिए. ओके, चलो नेक्स्ट. मोस्ट कॉमन यूनिसेल्युलर ग्लैंड इन द बॉडी, सिंगल सेल. ओके, अगर एक सीक्रेशन कर रहा है और वो डिस्ट्रीब्यूट है बॉडी में तो कौन सा टाइप का है? तो देखो दिस जो क्वेश्चन है ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से भी रिलेटेड है. तो वन कॉन्सेप्ट और दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे ऐड हो रहा है, हम लोग थोड़ा अभी हायर लेवल पे जा रहे हैं. ओके,
तो सबसे कॉमन यूनिसेलुलर ग्लैंड इन द बॉडी कौन सा है? तो सबसे कॉमन यूनिसेलुलर ग्लैंड कौन सा है? जो भी हमारे इनर लेयर्स है, इनर लाइनिंग, जैसे आपका डाइजेस्टिव ट्यूब हो गया, आपका डाइजेस्टिव ट्यूब हो गया, आपका रेस्पिरेटरी ट्यूब हो गया, रेस्पिरेटरी ट्यूब, ओके, रेस्पिरेटरी ट्यूब, देन आपका रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट जो है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ओके, ऑल द जितने भी ये ट्यूब सिस्टम है, इनका जो इनर लेयर ऑफ सेल्स होते हैं उनमें कुछ सेल्स बहुत ही कॉमन रहते हैं एंड दे आर द म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स, म्यूकस प्रोड्यूस करने वाला सेल। अगर आप इनर लेयर आप देखते हो माउथ का, बहुत ही स्लिपरी है, यू कैन सी उसमें गमी जैसा, यू कैन सी स्लिपरी मटेरियल, उसको म्यूकस कहते हैं, और म्यूकस प्रोड्यूस करने वाला सेल इनमें से कौन सा है? वो है आपका वॉट, गॉबलेट सेल। तो गॉबलेट सेल इसके लिए कहते हैं क्योंकि ये सेल नॉर्मली इस शेप के होते हैं जो हमने यू कैन सी शुरुआत में देखा था, टर्मिनल पार्ट में यहाँ पे म्यूकस क्या है, प्रोड्यूस होता है, और जैसे ये म्यूकस बाहर रिलीज होता है, शेप ऑफ द सेल बन जाता है ऐसा, इसको गॉबलेट शेप कहते हैं। वाइन, यू नो, वाइन ग्लास, ओके, वाइन ग्लास, अगर आपको मालूम होगा वाइन ग्लास कैसा दिखता है, वाइन का ग्लास, उस शेप को हम लोग गॉबलेट कहते हैं, अंडरस्टूड। फिर बाकी सेल्स भी मालूम होना चाहिए, पेप्टिक सेल ये HCL प्रोड्यूस करता है, एसाइनर सेल्स जो है ये पेनक्रियाज में एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, और आइलेट सेल्स जो है वो इंसुलिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है, तो दे आर ऑल सीक्रेटरी सेल्स। तो अल्टीमेटली कैन सी हर सेल का आपको क्या है, फंक्शन भी यहाँ पे क्या है मालूम जाता है। इसके लिए मैंने आपको पहले बोला है कि जब आप किसी MCQ को कभी भी क्या है कैन सी स्टडी करते हो तो राइट ऑप्शन के साथ बाकी ऑप्शन क्या है उसका रिलेशनशिप किसके साथ है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे राइट आंसर इज गॉबलेट सेल जो प्रोड्यूस करता है वॉट, म्यूकस, और म्यूकस प्रोड्यूस करने वाला जो सेल है ये सबसे कॉमन सेल है, दिस इज द मोस्ट कॉमन सेल, ओके, विच इज द ग्लैंडुलर सेल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मैमेलियन टिश्यू फॉर्म्स पेरिटोनियम ऑफ सिलोम। अभी व्हाट इज पेरिटोनियम? जितने भी इंटरनल ऑर्गन हमारे बॉडी में है हर एक को एक ऐसी कवर दिया है, वेरी थिन कवर रहता है, ओके, क्योंकि दो ऑर्गन जो है आजू बाजू में होते हैं, जब हम बॉडी मूव करते हैं तो एक ऐसी किडनी, इस किडनी के बाजू में आपका इंटेस्टाइन है, एक ऐसी लीवर है, उसके बाजू में स्टमक है, तो नेचुरली दे मे गेट रब्ड विद ईच अदर, कैन सी, तो हर ऑर्गन को फैट का भी लेयर होता है और उसके बाहर एक पेरिटोनियम है, एक बोलते हैं झिल्ली जैसी होती है, देयर इज ए मेम्ब्रेन, यू कैन सी विद प्रोटेक्स, ओके, बोल सकते हैं हर ऑर्गन में एक लैमिनेशन होता है, ओके, उसको पेरिटोनियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट ऑर्गन लाइक हार्ट, हार्ट का डबल मेम्ब्रेन होता है, उसको पेरिकार्डियम कहते हैं। तो एवरी ऑर्गन इज प्रोटेक्टेड बाय द पेरिटोनियम। तो ये पेरिटोनियम जो है वो कौन से टाइप का टिश्यू है? तो जनरली पेरिटोनियम में दो लेयर होते हैं, ओके, जैसे कोई भी अगर आप ऑर्गन लोगे तो उसको डबल पेरिटोनियम रहता है, दो लेयर होता है, जो आउटर वाला है उसको कहते हैं, तो आउटर लेयर जो है उसको कहते हैं पैराइटल लेयर, और जो इनर वन है उसको कहते हैं विसरल लेयर। और ये दोनों लेयर जो है दे आर मेड अप ऑफ, अगर हम दोनों लेयर को देखेंगे तो दे आर मेड अप ऑफ फ्लैट सेल्स। तो फ्लैट सेल्स हो गया आपका वर्ड स्कॉमस एपिथेलियम। तो राइट आंसर यहां पे है स्कॉमस एपिथेलियम। सो दैट्स व्हाई एनाटॉमी पार्ट जो है उसमें नेचुरली, ओके, हमें जाना पड़ेगा, ओके, सो दैट यू कैन सी कंपोजिशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी आपका प्रिपेयर हो जाएगा, ओके, सो तो पेरिटोनियम, कोई भी पेरिटोनियम जो है तो इट इज अ प्रोटेक्टिव लेयर, हर एक एनसी ऑर्गन का प्रोटेक्टिव लेयर है जिसमें दो सब लेयर रहते हैं, पैराइटल जो आउटर रहता है और विसरल जो इनर रहता है। तो यहां पे देखिए टेक्निकल पार्ट, विसरा का मतलब होता है ऑर्गन, इंटरनल ऑर्गन, तो जो भी लेयर ये ऑर्गन है, दिस इज द ऑर्गन, ऑर्गन के टच में है तो उसको विसरल कहते हैं, जो बाहर की तरफ है उसको पैराइटल कहते हैं, ओके, तो दोनों लेयर जो है वो स्कॉमस एपिथेलियम से बनते हैं, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14th पे पहुंच गए हम लोग क्वेश्चन, एपेंडिमा सेल्स। एपेंडिमा के दूसरे कॉन्सेप्ट, ये आपका नर्वस टिश्यू से रिलेटेड है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का इनर लेयर जो है, ओके, वो एपेंडिमल सेल से तैयार होता है। तो कौन से, उसका शेप क्या है? तो स्कॉमस है क्या, कॉलमनर है, कोबॉइडल है? एपेंडिमल सेल जो नर्वस सिस्टम का है वो है आपका कॉलमनर। तो यहां पर क्वेश्चन क्यों लिया मैंने, क्योंकि आपको बार बार मैं बताना चाह रहा हूं कि नेचुरली जो क्वेश्चन होंगे वो खाली एक ही कंसेप्ट से होंगे, एक ही चैप्टर से रिलेटेड होंगे, लेकिन हो सकता है उसका कनेक्शन किसी दूसरे चैप्टर से होगा, ओके, तो इसके लिए कैन सी देयर इज ऑलवेज
इंटर रिलेशनशिप और यू कैन सी बिटवीन टू और मोर कंसेप्ट, उस टाइप के क्वेश्चन जो है ज्यादा कंफ्यूज करने वाले होते हैं। तो एपेंडिमस सेल्स क्या है, दे आर द इनर लेयर ऑफ द ब्रेन और द स्पाइनल कॉर्ड, ओके, जिनका काम होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाना। ये भी हम लोग पढ़ना है, ऑल दिस थिंग्स वी आर गोइंग टू लर्न स्टूडेंट्स, ओके, डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि हर पार्ट जो है हमको डिटेल में स्टडी करना है और साथ में वी हैव टू नो द ट्रिक्स, जिस तरह हम लोग एमसीक्यू को क्या है राइटली सॉल्व कर सके, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ऑड मैन विद रेस्पेक्ट टू फंक्शन। चलिए फंक्शन के हिसाब से, हाँ, ये एमसीक्यू जो है वो ऑड मैन टाइप है, इसका मतलब है इसमें तीन टाइप के सेल्स जो है उनका एक कॉमन फंक्शन होगा और जो चौथा टाइप है उसका फंक्शन डिफरेंट होना चाहिए, ओके। तो नेचुरली एक कौन से कंसेप्ट से है आपका, यू कैन सी द फंक्शन पार्ट, इसमें देखो गॉबलेट सेल दिस इज ग्लैंडुलर, एसआरएन सेल इज ग्लैंडुलर, आईलेट सेल इज ग्लैंडुलर, तो ये तीनों ग्लैंडुलर है, मतलब दे प्रोड्यूस द सीक्रीशंस, ये तीनों सीक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं, और आपका जर्माइनल सेल्स जो है दे प्रोड्यूस द सेक्स सेल, ओके। तो ये जर्माइनल एपिथेलियम वन टाइप है, ये तीनों ग्लैंडुलर टाइप के एपिथेलियम्स है, इजंट इट। तो इस तरह हमारा राइट आंसर जो है वो हो गया आपका वार्ड जर्माइनल सेल्स। तो जर्माइनल सेल्स दे आर द जर्माइनल टाइप के कैन सी वार्ड टिश्यू, ओके, फॉर्म द जर्माइनल टाइप ऑफ टिश्यू जिसे स्पर्म सेल्स और एक्सेल्स बनता है, और बाकी के तीनों जो है ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। एसआरएन सेल है इलेट्स आईलेट सेल्स दे आर इन पैंक्रियास, और गॉबलेट सेल्स जो मैंने बताया आपका इसोफेगस, जितना भी इनर लाइनिंग है जो स्मूथ है म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स उसको गॉबलेट सेल्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, सीलिया किससे ओरिजिनेट होता है। तो नेचुरली अब ये भी देखो बेसिक कंसेप्ट है, ओके, जो सेल से रिलेटेड है। देखो सीलिया जो है वो सेल का एक कंपोनेंट है, ओके, इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, ये बात है। तो लाइक सेल का कंसेप्ट हो गया, ओके, आपका टिश्यू में भी आता है बिकॉज यू गॉट सीलिएटेड एपिथेलियम, ओके। सो सीलिया सेल के कौन से कंपोनेंट से तैयार होता है, तो नेचुरली तो क्या लगता है आपको, साइटोसोल से है, बेसल ग्रैनुल से है, साइटोस्केलेटन से, या सेल मेम्ब्रेन से। तो ये सेल है, अगर ये सीलिया है तो सीलिया जो है वो एक बेसल ग्रैनुल से डेवलप होता है, बेसल ग्रैनुल से, जो मोटर की तरह काम करता है, और जिसको जैसे एनर्जी मिलता है तो नेचुरल सीलिया एक्चुअली व्हाट मूवमेंट करने लगता है, ओके, जस्ट लाइक यू कैन सी ए वाइपिंग एक्शन लाइक दिस सीलिया, ओके। सो तो सीलिया इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम व्हाट, बेसल ग्रैन्यूल्स, सो दैट इज द राइट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो कोरोना रेडिएटर सेल्स, ओके, सो दे आर रिलेटेड टू व्हाट, आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव यू कैन सी सेल जिसको ओवम कहते हैं, जो मैमेलियन एग होता है उसके बाहर, अगर एग लेंगे तो उसके बाहर सेल्स का एक लेयर रहता है विच इज ऑल्सो डिराइव फ्रॉम द एपिथेलियम, ओके, जिसके बारे में हम लोग रिप्रोडक्टिव टॉपिक में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिक है, यहाँ पे देखो लॉजिक यूज करना है, सेल्स एनिमल सेल्स को ग्लू कौन करता है, हु ग्लूज, देखो आंसर आपके सामने आ जाएगा, हाइलुरोनिडेज, ग्लूटिनेट, ग्लूटामिक एसिड, हाइलुरोनिक एसिड। तो हमने क्या पढ़ा था, द सेल्स ऑफ एनिमल एपिथेलियल टिश्यू है दे आर ग्लूड विद द हेल्प ऑफ व्हाट, हाइलुरोनिक एसिड। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके किसी दूसरे कंसेप्ट से रिलेटेड हो सकते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ओके ओके, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो एक पर्टिकुलर चैप्टर से है कि नेचुरली दो अलग अलग चैप्टर से है, तो इसको कभी कभी कैसे एनालिस करना बहुत ही मुश्किल होता है, ओके। सो दैट्स व्हाई, तो इन दिस क्वेश्चन द हाइलुरोनिक एसिड इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलोपियन ट्यूब्स आर इंटरनली लाइंड बाय कॉलमनर सीलिएटेड, कॉलमनर एंड क्यूबॉइडल, नॉन स्ट्रेटेड मसल एंड सीलिएटेड, और क्यूबॉइडल एंड ग्लैंडुलर, ओके। तो फिलोपियन ट्यूब्स नेचुरली उनमें सीलिया तो होगा, तो नेचुरली देखो या तो ये ऑप्शन करेक्ट है या तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट है, दिस इज नॉट पॉसिबल एंड दिस इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। तो इन दोनों में से कौन सा है, अभी बोल रहे इंटरनली लाइंड, तो इंटरनली लाइंड बोलेगा तो फिर ये पॉसिबल नहीं है, मसल इज नॉट द इंटरनल लेयर, तो इसके लिए राइट आंसर आपका क्या है, राइट आंसर इज कॉलमनर एंड वॉल्ड सीलिएटेड, ओके, isn't it? तो इस तरह आपको एक एनसी राइट आंसर पे पहुंचना है, ओके? तो एकदम सिंपल है, देखिए बाकी ऑप्शन कंफ्यूज करने के डाल दिया है, बेसिक फेलोपियन ट्यूब्स जो है दे कॉलमनर एंड वॉल्ड सीलिएटेड, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनर मोस्ट ट्यूनिका इंटरना ऑफ ब्लड वेसल इज कंपोज्ड ऑफ,
तो इंटरनल लेयर ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल जो है वो किसका बनता है? वेरी सिंपल, इट इज फ्लैट सेल्स, कॉमन सेल्स विद इलास्टिक लेयर। तो ये है राइट आंसर। ओके, बाकी देखो लेयर जो है आपको कंफ्यूज करे, यहां पे भी देखिए ब्लड वेसल है, जर्माइनल एपिथेलियम नहीं हो सकता। ओके, तो इनर मोस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल जो है, ओके, इसमें और इसमें आपको कंफ्यूजन होगा, तो इसके लिए इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल इज कंटेनेड विद द कैपिलरी, और कैपिलरी जो है वो थिन लेयर होता है। जितने भी इनर मोस्ट लेयर आपके ब्लड वेसल का, हार्ट का, वो सिंगल स्क्वामस लेयर का बना हुआ है। ओके, तो इसके लिए ये पॉसिबल नहीं है, और नॉन इलास्टिक एंडोथेलियम तो हो नहीं सकता। तो दैट इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट, दिस इज द एंडोक्राइन पार्ट ऑफ द पेनक्रियास। एंडो का मतलब होता है वो पार्ट जो हार्मोन्स तैयार करता है, और उसका अपोजिट आपको मालूम है, अपोजिट जो फंक्शन है वो एंडोक्राइन पार्ट, एक्सोक्राइन पार्ट, वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है ना। तो पेनक्रियास दोनों टाइप के एजेंसी व्हाट, सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है, एंजाइमेटिक, एंजाइमेटिक जो है वो एक्सोक्राइन पार्ट, और एंडोक्राइन पार्ट वो हार्मोन्स तैयार करता है। तो इसका भी देखो डिस्कशन हमारा हुआ था, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, एसाइनर सेल्स है, पैराइटल सेल्स है, या आइलेट्स ऑफ एसाइनी। तो अगर आपको देखो कंसेप्ट मालूम है तो यू विल डायरेक्टली गो फॉर आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जिसमें अल्फा, बीटा एंड व्हाट, डेल्टा सेल्स होते हैं। अल्फा से बनता है इंसुलिन, बीटा से ग्लूकागॉन, और आपका डेल्टा से सोमैटोस्टैटिन। ओके, सो एसाइनर सेल जो है वो एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, पैराइटल सेल्स भी कैन सी यू कैन सी एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, आइलेट्स ऑफ एसाइना ये होता ही नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, तो अल्टीमेटली राइट आंसर आपके सामने है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन शो प्रेजेंस ऑफ डैश फॉर रैपिड एब्जॉर्प्शन। तो यहां पे देखो कंफ्यूज करने के लिए है, एब्जॉर्प्शन करने के लिए मैंने बताया था कि सेल्स के सरफेस में होते हैं व्हाट, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। तो व्हाट आर दिस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, अभी हमने डिस्कस किया था प्रीवियस क्वेश्चन में। देखिए तो विलाई आपको कंफ्यूज कर सकता है, तो बी केयरफुल, इमीडिएटली विलाई दिख रहा है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर मतलब विलाई, रॉन्ग हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज व्हाट, माइक्रोविलाई। ओके, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वी कैन से इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस। चलिए आज लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं, सेलेक्ट द रॉन्ग मैच। चलिए तो कौन सा कॉम्बिनेशन रॉन्ग है? तो स्क्वामस एपिथेलियम जो है वो अल्वियोला ऑफ लंग्स में होता है, करेक्ट है। जर्मिनल एपिथेलियम एसाइनस ऑफ पैंक्रियास होता है, रॉन्ग है। तो नेचुरली बाकी दोनों राइट है। एसाइनस ऑफ पैंक्रियास दे आर सीक्रेटरी सेल्स, वो सीक्रीशन करते हैं, दे आर नॉट जर्मिनेटेड, क्योंकि जर्माइनल एपिथेलियम जो है वो है आपका सेकेंडरी है आज के सेशन के, जिसमें हम लोग एमसीक्यू लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टेड टिश्यू। तो कनेक्टेड टिश्यू के जो एमसीक्यूज है हम लोग चेक करते हैं। ओके, चलिए तो पहले लेवल वन को लेंगे, लेवल वन। तो लेवल वन हो गया मतलब सिंपल क्वेश्चंस। ओके, ये आपको मतलब क्वेश्चन के साथ साथ आपको आंसर क्या है आ जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं, तो मोस्ट प्रीडोमिनेंट फाइबर इन कनेक्टेड टिश्यू इज, कनेक्टेड टिश्यू में कौन सा फाइबर सबसे यू कैन सी प्रीडोमिनेंट सबसे ज्यादा है? ओके, और फिर से देखिए, अगर आप एमसी को देख रहे हो, मैं आपको पहले भी बताया, अगर आपने कैसे मेरे पहले सेशंस अटेंड नहीं किए हैं या नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि एमसीक्यू जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं या एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हो, तो पहले ऑप्शंस जो ऑप्शंस है उसको किसी दूसरे पेपर से या बुक से ढाक लीजिए, यानी कि आप एमसीक्यू को क्या बोल सकते हैं, आप फिल्म द ब्लैंक की तरह सबसे पहले कंसिडर कीजिए। तो फिल्म द ब्लैंक के हिसाब से कंसिडर कीजिए और बिना ऑप्शन देखे आंसर को जज करने की कोशिश कीजिए। हाँ, कुछ क्वेश्चन में नेचुरली बिना ऑप्शन के आप बता नहीं पाओगे कि करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन आपको स्टार्टिंग ऐसे ही करना है। ओके, तो उससे आपका नॉलेज जो है वो कितना है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है वो भी आपको समझेगा। ओके, सो द मोस्ट प्रीडोमिनेंट फाइबर इन कनेक्टेड टिश्यू कौन है? ओके, तो आंसर शायद आपको पता चल गया होगा, ऑप्शंस देखिए, ऑप्शंस आ रहे हैं। अभी ऑप्शन को तो थोड़ा सा ट्रिक कर दिया है, नाम नहीं दिया है लेकिन उसका कलर दिया है। तुमको मालूम है सबसे ज्यादा फाइबर होता है आपका कोलेजन, तो कोलेजन इज द मोस्ट एबंडेंट डोमिनेंट फाइबर, कोलेजन फाइबर, और कोलेजन फाइबर इज वाइट इन कलर। तो अल्टीमेटली आपका आंसर है शाइनी वाइट। तो इसमें अगर आपको ऑप्शन यहां पे वाइट भी होता तो वो रॉन्ग होता, शाइनी वाइट आपको लिखना है, पेल वाइट होता, कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या आ रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है जेली लाइक एक्स्ट्रा सेल्यूलर मैट्रिक्स ऑफ एरियोलर टिश्यू। एरियोलर टिश्यू का जो जेली लाइक मैट्रिक्स है तो उसको क्या कहते हैं, जेली जैसा। वेरी सिंपल है, कॉन्ड्रिन कहते हैं क्या, जेलेटिन कहते हैं, म्यूसिन कहते हैं, या व्हाइट एंड येलो फाइबर कहते हैं। वेरी सिंपल आंसर आपका है जेलेटिन। ओके, तो बहुत ईजी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पॉन्जी बोन डू नॉट शो प्रेजेंस ऑफ। स्पॉन्जी बोन में क्या नहीं होता है, इसका मतलब है आपको स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन का डिस्टिंग्विश। ओके, मालूम रहना चाहिए ट्रबैक्यूलो होता है, ऑसिन होता है क्या, ऑस्टियन होता है क्या, लिक्यूने होता है। देखो स्पॉन्जी बोन में आपका ट्रबैक्यूलो होता है, प्रेजेंट है। ओके, ऑस्टियन भी होता है क्योंकि वो बोन का मैट्रिक्स है, लिक्यूना भी होता है, लेकिन ऑस्टियन, ऑस्टियन इज द अदर नेम ऑफ हैवर्शियन सिस्टम। तो हैवर्शियन सिस्टम आपका स्पॉन्जी बोन में नहीं होता, इसके लिए राइट आंसर आपका ऑस्टियन है। फिर नेक्स्ट, चलिए फाइब्रोब्लास्ट मैक्रोफाजेस एंड मास्ट सेल आर प्रेजेंट मेनली इन। तो कौन से टिश्यू में ये तीनों टाइप के सेल्स आपको मिलेंगे, जो बेसिक यू कैन सी व्हाट या प्रॉपर कनेक्टेड टिश्यू में होता है, कार्टिलेज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, एरियोलर टिश्यू, लिगामेंट एंड टेंडन। नई चीज देखो, कार्टिलेज टिश्यू में जनरली फाइब्रोब्लास्ट कम होता है, मैक्रोफाजेस और मास्ट सेल बिल्कुल नहीं होता है। एडिपोज टिश्यू में ये तीनों नहीं होते हैं, एरियोलर टिश्यू में ये तीनों होते हैं, और लिगामेंट्स एंड टेंडन में खाली फाइब्रोब्लास्ट होता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या है, एरियोलर टिश्यू, जो फंडामेंटल कनेक्टेड टिश्यू है। ओके, चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर। वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग यू कैन सी क्वेश्चन, टेंडन किस टाइप का टिश्यू है, एडिपोज किस टाइप का टिश्यू है, एरियोलर क्या है, कार्टिलेज क्या है। चलिए ऑप्शन, इट क्या लग रहा है आपको, करेक्ट ऑप्शन इज यहां पे एरियोलर जो है लूज कनेक्टेड टिश्यू है। बाकी क्या है, देखो एडिपोज डेंस नहीं है, वो लूज है ना। फिर टेंडन स्पेशलाइज स्पेशल कनेक्टेड टिश्यू कौन है आपका, बोन, कार्टिलेज, ब्लड और आपका लिम्फ, ये है ना। और कार्टिलेज जो है वो इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यू नहीं है, वो स्पेशलाइज कनेक्टेड टिश्यू है, स्पेशलाइज्ड है, वो स्पेशलाइज्ड है। ओके, इसके मैं जो आपको थ्योरी में बताया था आपको कि जितने भी वैकेंसी आपके क्लासिफिकेशन ग्रुप्स है उसको आपको दिमाग में रखना है, तो वो स्लाइड ध्यान से फिर से देख लीजिए। ओके, और नोट डाउन कीजिए, नोटिंग डाउन द थिंग्स एज पर योर ओन वैकेंसी व्हाट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कार्टिलेज टिश्यूज फाउंड इन द इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो दो जो बैकबोन की हड्डी होती है उसके बीच में कौन सा कार्टिलेज होता है जो फ्लेक्सिबिलिटी भी देता है और सपोर्ट भी करता है, तो वह है आपका व्हाइट फाइब्रस कार्टिलेज। तो यहाँ पे उसी को इंटरवर्टिब्रल डिस्क भी कहते हैं, और ये अगर हट गया तो उसी को स्लिप डिस्क कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ रहा है, बोन मैट्रिक्स इज मेनली कंपोज्ड ऑफ। अभी ऑप्शन तो आपको मालूम है, बोन मैट्रिक्स में ऑसिन होता है, फिर आपके सॉल्ट्स होते हैं। अभी ऑप्शंस क्या है, आयरन फॉस्फेट और ऑसिन, सल्फर कैल्शियम और कॉन्ड्रिन, कैल्शियम फॉस्फेट और ऑसिन, कैल्शियम आयरन जेलेटिन, जेलेटिन तो नहीं है तो ये ऑप्शन भी गया, कॉन्ड्रिन नहीं है ये ऑप्शन भी गया, ऑसिन तो होता है, फॉस्फोरस होता है लेकिन आयरन नहीं होता है, तो अल्टीमेटली ऑप्शन आपका क्या है, कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम सॉल्ट। ओके, जिसमें फॉस्फोरस होता है, कैल्शियम फॉस्फेट जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है, ऑसिन जो प्रोटीन पार्ट है। चलो नेक्स्ट, स्पेसेस कनेक्टिंग एडजेसेंट लैक्यूना इन द बोन इज कॉल्ड। ओके, तो बोन, दो बोन सेल्स, ये आपका एक बोन सेल जो ब्रांच रहता है, दूसरा बोन सेल ये भी ब्रांच रहता है, फिर उसमें ये स्वर्णबद्धक लेक्यूनास, लेक्यूना में भी ब्रांचेस होते हैं, है ना, तो ये सब इंटरकनेक्टेड रहेंगे, तो इन कनेक्शंस को क्या कहते हैं, मैरो, कैनालिक्यूले, साइनोसॉइड, सीलोम। बस वेरी सिंपल, नाम में ही है, कैनालिक्यूलाई, स्मॉल स्मॉल कैनाल, तो ये कैनाल इसके साथ कनेक्टेड रहेगा, तो आजू वाले वाले जितने भी कैन सी कैनाल सिस्टम्स है सब एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट रहते हैं लाइक दिस, है ना, तो इस तरह एक जाल जैसा बनता है, तो कैनाल कुल इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डनेस ऑफ बोन किसकी वजह से। तो नेचुरली आपका बोन में जो आपका मेन सॉल्ट है वो है हाइड्रोक्सीएपेटाइट, साथ में कोलाजिन फाइबर। ओके, तो बाकी ऑप्शंस भी, अभी आपको मैंने ये भी बताया था कि बाकी ऑप्शंस क्या है, उसका भी अगर आपने जानकारी ली, एक्सट्रैक्ट कर लिया, तो आपका एक क्वेश्चन सॉल्व करके चार क्वेश्चंस या चार कंसेप्ट यू कैन सी व्हाट प्रिपेयर हो जाता है। ओके, जैसे फॉस्फोराइट इज ओनली कैल्शियम फ्लोराइड, एंड अभी देखो ये भी है, दिस इज ऑल्सो, बट इसके साथ इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, ये पॉइंट है। ओके,
ये भी करेक्ट है, अगर ये पॉइंट नहीं होता तब आपका आंसर ये होता, ओके। लेकिन यहां पे कोलेजन आ गया, कोलेजन एंड आपका बोन सॉल्ट मिलके हार्डनेस को डिटरमाइन करता है, ओके। चलिए, फाइब्रोब्लास्ट आर सीन अरेंज इन रो, तो फाइब्रोब्लास्ट कौन से टिश्यू में रो में होते हैं, जो रेगुलर होता है, अभी देखते हैं रेगुलर कनेक्टेड टिश्यू में कौन सा आना चाहिए, हीरो टिश्यू, फाइब्रस कार्टिलेज, टेंडन, इरेगुलर कनेक्टेड टिश्यू, तो नेचुरली इसमें टेंडन जो है वो रेगुलर, यू कैन सी व्हाट, कनेक्टेड टिश्यू है, डेंस कनेक्टेड टिश्यू है, तो यही आंसर होगा, ओके। चलिए अभी लेवल टू पे आ जाते हैं, तो लेवल टू में पहला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पार्ट, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, तो कौन सा डायग्राम दिख रहा है, ओके, आपका एरियल टिश्यू है, ओके, तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है टिश्यू कौन सा है, तो मैं साइड में आ जाता हूँ, तो ए बी सी डी को आइडेंटिफाई करना है, तो मैं आपको देता हूँ, जस्ट फाइंड कीजिए क्या है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, साइड आ जाता हूँ। चलिए, तो वेरी इजी, ए क्या है, ए है मैक्रोफाज, ओके, इसका मतलब है या तो ये ऑप्शन करेक्ट है, नहीं तो ये ऑप्शन, नहीं तो ये ऑप्शन करेक्ट है, इनमें से कोई हो सकता है, ठीक है। फिर देखो बी क्या है, बी आया आपका फाइब्रोब्लास्ट, तो उसके हिसाब से ये रॉन्ग हो गया, ये गलत है, तो या भी ये सी या डी है, तो इस तरह देखिए एलिमिनेशन हो रहा है। फिर सी क्या है आपका, देखिए सी इज द इलास्टिन फाइबर, तो ये करेक्ट है और ये रॉन्ग हो गया, तो अल्टीमेटली देखो लास्ट ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपका ये आंसर करेक्ट है, इजंट इट, तो इस तरह एलिमिनेशन करके भी आप जल्दी से ऑप्शन को क्या है फाइंड कर सकते हैं, ओके, तो करेक्ट आंसर आपका सी है। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन द बॉडी, तो लेवल वन का है, लेकिन ऑप्शन जो है इट कंफ्यूजस, ओके, क्योंकि प्रोटीन बोला गया है ना, तो ये क्वेश्चन जो है वो दूसरे रेफरेंस से पूछा गया है, पूरा ओवरऑल बॉडी से पूछा गया है, क्योंकि जब आपको क्वेश्चन आएगा तो आपको इमीडिएटली क्लिक नहीं होगा कौन से चैप्टर का है, तो सबसे एविडेंट टिश्यू क्या है, प्रोटीन क्या, आपका कोलेजन, क्योंकि कोलेजन फाइबर इज द मेन कंपोनेंट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, और बॉडी में सबसे ज्यादा अमाउंट कनेक्टेड टिश्यू का है, ओके, सो कोलेजन। चलो नेक्स्ट, दिस इज नॉट द नॉट, जब कोई भी क्वेश्चन नॉट से आता है तो थोड़ा कंफ्यूज कर देता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एडिपोज टिश्यू का कौन सा इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है, देखो इंसुलेशन पैडिंग ये है, प्रिवेंट फ्रिक्शन शॉक अब्सॉर्प्शन ये भी है, एनर्जी स्टोरेज एंड फैट डिपोजिशन ये भी है, ग्रोथ एंड रिपेयर इज नॉट द फंक्शन, सिंपल, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉस सेल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो नेचुरली उसके लिए आपको अभी लेक्चर्स को फिर से वापस देखना है कि मास सेल जहां पे मेंशन किया था उस, ओके, तो देखते हैं आपको याद आ रहा है कि माइक्रोसाइट कहते हैं क्या, मेलानोसाइट्स कहते हैं क्या, लिम्फोसाइट्स कहते हैं, मैकेनोसाइट्स कहते हैं, मेलानोसाइट तो आपका स्किन के कलर जो प्रोड्यूस करने वाला वो सेल है, माइक्रोसाइट्स मतलब वेरी स्मॉल सेल वो भी नहीं कहते, लिम्फोसाइट तो बिल्कुल नहीं, करेक्ट आंसर क्या है, मैकेनोसाइट्स है, तो मैकेनोसाइट इसके लिए कहते हैं क्योंकि इसकी वजह से, इसके सिक्रेशन की वजह से ब्लड वेसल का साइज इंक्रीज या डिक्रीज होता है, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस हिस्टामिन एज वेल एज वॉट सेरोटोनिन, ओके। चलो नेक्स्ट, ब्राउन एडिपोज टिश्यू क्यों ऐसा दिखता है और इसकी वजह से क्या होता है, तो वो फंक्शन और उसका कंपोजिशन दोनों पार्ट आ गया, तो दैट्स व्हाई वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, तो कौन सा आंसर है, तो ब्राउन एडिपोज टिश्यू हमने पढ़ा, इसमें ब्लड वेसल ज्यादा होता है, इसकी वजह से ब्लड वेसल, फिर आपके दो ऑप्शन है, ये होगा नहीं तो ये होगा, अभी आपको सेकंड देखना है, हेल्थ इन ग्रोथ, नो, ग्रोथ में काम नहीं आता है, इट प्रोड्यूसेस हीट बिकॉज इट कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसके लिए फिटल और यू कैन सी बेबी में, यू कैन सी एडिपोज, ब्राउन एडिपोज टिश्यू इन्फेंट स्टेज तक होता है, एक से दो साल तक के स्टेज में ब्राउन एडिपोज टिश्यू रहता है, तो करेक्ट आंसर इज ब्लड वेसल एंड इट प्रोड्यूसेस हीट। चलो नेक्स्ट है आपका, इलास्टिक कार्टिलेज इज नॉट प्रेजेंट इन, इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पे नहीं है, तो अल्टीमेटली आपको चारों टाइप के कार्टिलेज जो है उसका यू कैन सी लोकेशन मालूम होना चाहिए, एपिग्लॉटिस में होता है, ट्रकिया में होता है, ईयर ऑलिकल में होता है, नोज टिप में नहीं होता है, नोज टिप में होता है आपका हायलिन कार्टिलेज, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लेस एक्टिव सेल ऑफ बोन, तो कौन सा सेल जो है बोन में लेस एक्टिव है, तीन टाइप के सेल्स होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट, तो सबसे कम एक्टिव कौन है, वो है आपका ऑस्टियोसाइट, इट इज लेस एक्टिव, मोस्ट एक्टिव आपका ऑस्टियोब्लास्ट है, मोस्ट एक्टिव, और ऑस्टियोक्लास्ट इज एक्टिव,
और ये होगा आपका वॉट लेस एक्टिव एक्टिविटी के हिसाब से. चलिए नेक्स्ट आपका है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. तो यहां पे वेयर केयरफुल क्वेश्चन आपको इनकरेक्ट ढूंढने का है तो गलती से करेक्ट ढूंढ लेते हैं. तो मास सेल प्रोड्यूस सीरोटोनिन हिस्टामिन एंड लिम्फोकाइनिन हर वर्ड को आपको चेक करना है ओके. और स्टेटमेंट पूरा रीड करना है क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो सेंटेंस पार्शियली करेक्ट होता है एक पार्ट करेक्ट होता है दूसरा पार्ट यू कैन सी या जो फ्रेज होता है इनकरेक्ट होता है. अभी देखते हैं शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन ये करेक्ट है. येलो फाइबर डिफर्स फ्रॉम कोलेजन फाइबर इन बीइंग इलास्टिक यस येलो फाइबर इज इलास्टिक ये भी करेक्ट है. लीस्ट नंबर ऑफ कार्टिलेज सेल इज प्रेजेंट इन फाइब्रोक्लास्ट ये भी करेक्ट है ये हमने पढ़ा ओके. लेकिन देखो मास सेल प्रोड्यूस सीरोटोनिन यस ये होता है हिस्टामिन होता है लेकिन लिम्फोकाइंस प्रोड्यूस नहीं होते हैं. तो इसका एक सिंगल वर्ड की वजह से ये सेंटेंस पहला सेंटेंस क्या हो गया आपका इनकरेक्ट हो गया और वही हमारा राइट आंसर है. चलिए नेक्स्ट अभी लास्ट लेवल जाते हैं आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट टिश्यू टाइप. तो सेम तो एक और क्वेश्चन हमने दिया था वो थोड़ा सा इजी था. यहां पे नेचुरली दो कंपोनेंट दिए हुए जैसे एरियर टिश्यू लूज प्रॉपर टिश्यू है विद जिलेटिन करेक्ट है ये करेक्ट है. ये लूज प्रॉपर टिश्यू है जिसमें जिलेटिन होता है. ब्लड वैस्कुलर फ्लूइड टिश्यू है विदाउट फाइबर ये भी करेक्ट है. देन कार्टिलेज जो है स्केलेटल टिश्यू है विद कॉन्ड्रिन एंड लिक्यूना स्केलेटल टिश्यू है कॉन्ड्रिन है उसके पास यस ये भी करेक्ट है. टेंडन डेंस कनेक्टेड टिश्यू है विदाउट कोलेजन ये तो भाई ब्लफिंग हो गया कोलेजन की वजह से ही तो वो इतना डेंस है तो इसके लिए लास्ट ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट. तो इसके लिए मैं बार बार बोल रहा हूँ हर यू कैन सी ऑप्शन को ठीक से रीड करना है. अगर आप पार्शियली रीड करोगे तो नेचुरली यू विल यू कैन सी गिव द रॉन्ग आंसर. चलिए नेक्स्ट लिगामेंट जॉइन बोन्स टू बोन एंड अलॉय स्ट्रेचिंग और किसका बनता है. तो हाँ तो ये थोड़ा सा ट्रिकी है. लिगामेंट्स में स्ट्रेचिंग होती है ओके. वो इलास्टिक है तो लिगामेंट हमको मालूम है उसमें येलो कनेक्टेड टिश्यू होता है येलो फाइबर्स होता है लेकिन थोड़ा सा उसमें कोलेजन भी होता है उससे रिजिडिटी भी आती है थोड़ी सी. करेक्ट आंसर आपका येलो एंड वाइट फाइबर टिश्यू होता है. मेरे स्टूडेंट इसमें येलो फाइबर को टिक कर देते हैं जो रॉन्ग हो जाता है. चलिए नेक्स्ट रीड द फोर स्टेटमेंट्स और इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन वही करेक्ट ऑप्शन बाद में आएगा ओके. तो ये चार स्टेटमेंट क्या है इसमें आपको ट्रू एंड फॉल्स आइडेंटिफाई करना है तो ध्यान देना है. तो इसमें देखो एक एक करके पहले सब सेंटेंस को देखते हैं कौन ट्रू है कौन फॉल्स है. ऑसिफिकेशन ऑफ कार्टिलेज इंडिकेट एजिंग और बोन ग्रोथ करेक्ट है दिस स्टेटमेंट करेक्ट. यानी कार्टिलेज अगर यू कैन सी वॉट सॉलिडिफाई हो गया ऑसिफाइड हो गया ज्यादा हार्ड हो गया तो इसका मतलब है या तो एजिंग हो रही है नहीं तो बोन का ग्रोथ हो रहा है ओके. फिर ये करेक्ट है ब्राउन एडिपोज इज फाउंड इन ह्यूमन ऑफ ऑल एजेस ये फॉल्स है. व्हाइट एडिपोज हर ह्यूमन में पाया जाता है. आयरन इज स्टोर्ड इन बोन मैरो इन द फॉर्म ऑफ फेरिटिन ये भी ट्रू है करेक्ट. Then fibrous cartilage do not show pericardium, okay? ये भी क्या है आपका what? True है, okay? So ultimately, what is the right answer? तो यानी होना चाहिए second is false या first, third and fourth is false correct? तो उसके हिसाब से ये है आपका correct answer. फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज वॉट करेक्ट. या तो ऑप्शन होना चाहिए था सेकेंड इज फॉल्स या इनकरेक्ट. अगर ये आपको दिया होता ऑप्शन में तब वो करेक्ट होता ओके. चलिए नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ग्रुप शोइंग ओनली वन टाइप ऑफ टिश्यू. तो एक ही ग्रुप को बिलोंग करने वाले चाहे वो यू कैन सी मेजर ग्रुप है या माइनर ग्रुप है यू कैन सी स्ट्रक्चर के हिसाब से फंक्शन के हिसाब से है स्पेशलिटी के हिसाब से आपको आइडेंटिफाई करना है. तो चलिए देखते हैं तो कौन सा ग्रुप जो है एक सिंगल टाइप का कनेक्टेड टिश्यू का ग्रुप माना जाता है ओके. जैसे टेंडन लिगामेंट एडिपोज और लिम्फ. अब इसमें लिम्फ देखिए लिम्फ जो है वो दूसरे कैटेगरी वो स्पेशलाइज्ड है ये बाकी क्या है आपका ये प्रॉपर कनेक्टेड टिश्यू तो ये नहीं होगा. हाइलिन कार्टिलेज ऑसिफाइड कार्टिलेज एरियोलर और लिम्फ. तो वहां पे देखे कॉटलेज और लिम्फ जो है ओके. कॉटलेज और लिम्फ जो है स्पेशलाइज्ड है एरियोलर आपका लूज है तो ये भी नहीं होगा. तो दिस इज आल्सो करेक्ट दिस इज आल्सो इनकरेक्ट.
फिर एडिपोज है, एरियोलर है, रेटिकुलर टाइप है और बोन है। अभी बोन देखिए, बोन क्या है आपका, वो स्पेशलाइज है, बाकी सब आपका क्या है, लूज टाइप है, तो ये भी इनकरेक्ट है। तो आपका लास्ट ऑप्शन ही करेक्ट होगा, क्योंकि कार्टिलेज, कार्टिलेज, बोन, ब्लड, दे आर द स्पेशलाइज टाइप, दे आर द स्पेशलाइज टाइप। तो इसके लिए हर ऑप्शन इसमें, ये इट इज जस्ट लाइक ऑड मैन आउट, क्या करना है आपको, ऑड मैन आउट की तरह आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टाइप ऑफ कनेक्टेड टिश्यू एसोसिएटेड विद अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड एज हमने डिस्कस किया था, स्पेशल पॉइंट में हमने डिस्कस किया था, तो वो किस कनेक्टेड टिश्यू का बनता है, देखिए ऑप्शन देखिए। सो अम्बिलिकल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ स्पेशल, यू कैन सी एरियोलर टिश्यू, जो जेली टाइप होता है, ओके okay? इसको हम लोग वार्टन जेली भी कहते हैं, वार्टन जेली। तो इट इज अ मॉडिफाइड, यू कैन सी लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो बच्चे के ब्लड वेसल को माँ के यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है थ्रू एक जंक्शन, जिसको प्लासेंटा कहते हैं, ओके। सो दिस इज बीन आस्क्ड सो मेनी टाइम्स, यू कैन सी इन द नीट, ओके। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइब्रोब्लास्ट मास सेल डू नॉट सिंथेसाइज दिस इन कनेक्टेड टिश्यू। तो फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन क्या है, सब टाइप के फाइबर्स क्रिएट करना। मास सेल तीन केमिकल रिलीज करता है, हेपरिन, हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। तो देखिए ऑप्शंस क्या क्या है। तो क्वेश्चन पूछा है डू नॉट सिंथेसाइज, ओके। देखिए कोलेजन एंड इलास्टिन ये फाइब्रोब्लास्ट का फंक्शन है, रेटिकुलिन फाइबर ये भी फाइब्रोब्लास्ट बनाता है, एंटीबॉडीज नहीं बनता है, फाइब्रोब्लास्ट और मास सेल दोनों एंटीबॉडीज नहीं रहते, सेरोटोनिन मास सेल तैयार करता है, हेपरिन एंड हिस्टामिन ये भी आपका मास सेल तैयार करता है। तो उसके हिसाब से विच ऑप्शन इज इनकरेक्ट, वो है आपका सी। सी क्यों, क्योंकि उसमें देखिए सेरोटोनिन तो है लेकिन एंटीबॉडीज नहीं है, इसके लिए ये ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, मतलब यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो दिस इज द राइट आंसर। चलिए लास्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, 25th क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोन इज नॉट करेक्ट, ओके। तो बोन से रिलेटेड यू कैन सी कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। नॉट करेक्ट, इस तरह जो इस टाइप के नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको आपको ध्यान देना है। चलिए तो एंडोस्टियम लेयर जो है वो बोन मैरो कैविटी को सराउंड करता है, ये करेक्ट है। फाइब्रस कार्टिलेज पिबिक सिंफाइब्स में, ये भी करेक्ट है। हिमोपोएटिक टिश्यूज फाउंड इन स्पॉन्जी बोन, ये भी करेक्ट है। फिर अल्टीमेटली प्रोटीन मैट्रिक्स ऑफ बोन इज कॉल्ड ऑस्टियन, नहीं ऑस्टियन नहीं भाई, इसका नाम है ऑसिन, ओके। तो अगर आप कैंसी हरी में रहेंगे तो नेचुरली आपको लगेगा कि ये राइट है, एक्चुअली नहीं, दिस इज रॉन्ग एंड यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो दैट्स व्हाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, रीड द सेंटेंस वेरी केयरफुल, एक सिंगल वर्ड की वजह से जो आपको जो है राइट ऑप्शंस मिल सकता है। सो दिस इज द राइट आंसर। तो इस तरह हमने कैंसी फ्यू वेरी इंपॉर्टेंट कैंसी एमसीक्यू लिए, जिससे पूरा कनेक्टेड टिश्यू भी हमारा क्या हो गया, कवर हो गया, ओके। चलिए अब बारी है टू गो थ्रू सम ऑफ द एमसीक्यूज रिलेटेड टू द टॉपिक मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू। तो एक एक करके हम लोग 25 एमसीक्यू को स्टडी करेंगे, देखेंगे व्हाट इज द राइट आंसर एंड हाउ टू गेट इट वेरी क्विकली, ओके। तो चलते हैं। तो सबसे पहले विल टॉक अबाउट यू कैन सी सिंपल क्वेश्चन, लेवल 1 के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है, पहला क्वेश्चन है स्मूथ मसल फाइबर्स आर नॉट रेफर्ड एज। तो स्मूथ मसल फाइबर को क्या क्या कहते हैं अपने दिमाग में लाइए, क्योंकि उसको विसरल कहते हैं, उसको अनस्ट्रिप्ट कहते हैं, स्ट्रेटेड कहते हैं। तो अब जब ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा तो इसके लिए मैंने आपको ट्रिक जो आपको बताया वो जरूर करना है आपको, कि जब आप एमसीक्यू करते हैं या प्रिपेयर करते हैं या उसको सॉल्व कर रहे हैं तो ऑप्शंस को पहले मत देखिए, उसको छुपा दीजिए पेपर से या किसी दूसरे नोटबुक से, पहले डायरेक्ट क्वेश्चन को देख के आंसर जज करने की कोशिश कीजिए, ओके। उसके बाद में फिर ऑप्शंस को क्या है ऑब्जर्व कीजिए। तो ऑप्शन देखिए क्या है, ट्रांजिटरी मसल है, इनवॉलंटरी मसल है, विसरल मसल है एंड नॉन स्ट्रेटेड मसल है। तो नेचुरली स्मूथ मसल फंक्शन के हिसाब से क्या है आपका, इनवॉलंटरी है, करेक्ट। तो फंक्शन के हिसाब से वो इनवॉलंटरी है, पोजीशन के हिसाब से वो इंटरनल ऑर्गन्स में है, इंटरनल ऑर्गन्स में है, सो वो विसरल है, ये करेक्ट है। और उसमें बैंड्स नहीं है, देयर इज नो बैंड्स, करेक्ट। तो देयर इज नो बैंड्स, तो दैट्स व्हाई नॉन स्ट्रेटेड मसल है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर हो गया ट्रांजिटरी मसल। तो ये है आपका राइट आंसर, तो ट्रांजिटरी मसल इज द राइट आंसर, ओके।
चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन? सो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, फंक्शन ऑफ न्यूरोग्लिया सेल्स इज ऑल एक्सेप्ट, यानी कि न्यूरोग्लिया सेल्स का फंक्शन इनमें से कोई एक नहीं होगा. तो नेचुरली अभी क्वेश्चन देखने के बाद ऑप्शन मत देखिए, तो ये देखिए कि न्यूरोग्लिया सेल्स के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं. तो उसमें से एक फंक्शन जो हैगा वो नहीं रहेगा, तो आपको उसको सिलेक्ट करना है. तो वेरी इजी. तो न्यूरोग्लिया का डेफिनेशन क्या है? इट इज अ नॉन सेंसरी सेल्स व्हिच हेल्प्स इन सपोर्ट ओके न्यूट्रिशन एंड अदर थिंग्स ओके. तो देखते हैं कौन से ऑप्शंस आ रहे हैं. चलिए ऑप्शन अभी आपके सामने है, तो इसमें से अभी आपको राइट ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करना है. तो देखिए डिफेंस का काम करता है, तो ये तो फंक्शन है. सपोर्ट का भी काम करता है, न्यूट्रिशन जो है उसका भी काम करता है कुछ सेल्स. कंडक्शन जो है इट इज द फंक्शन ऑफ, कंडक्शन इज द फंक्शन ऑफ न्यूरॉन्स, वो न्यूरॉन्स का फंक्शन है जो बेसिक यूनिट है आपके एकेंसी नर्वस सिस्टम के. तो कंडक्शन इज नॉट द फंक्शन ऑफ न्यूरो, हाँ दे हेल्प इन कंडक्शन ओके, दे इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द कंडक्शन बट दे डोंट एक्चुअली कंडक्ट द इंपल्स. तो इसके लिए आपका राइट आंसर यहाँ पे है कंडक्शन ओके. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है? दिस इज नॉट द टाइप ऑफ न्यूरॉन बेस्ड ऑन फंक्शन. तो न्यूरॉन के टाइप बेस्ड ऑन फंक्शन अभी हमें मालूम होना चाहिए, तो याद कीजिए. तो उसमें देखिए फंक्शन के हिसाब से कौन कौन सा टाइप है. पहला है सेंसरी, तो सेंसरी का काम क्या है? सिग्नल को नेचुरली कहाँ पे लेके जाना? सेंस ऑर्गन से, सेंस ऑर्गन से उसको लेके जाना है आपका ब्रेन के पास सिंपल टर्म्स में ओके. और मोटर न्यूरॉन का जो फंक्शन है वो क्या है? वो ब्रेन के सिग्नल को नेचुरली लेके जाना है टारगेट ऑर्गन के पास, टारगेट ऑर्गन के पास. और एसोसिएशन जो है वो क्या करता है? ये ब्रेन अपना सेंसरी और मोटर को क्या करता है? इंटरकनेक्ट करता है, इट इंटरकनेक्ट्स करेक्ट. तो फिर बचा जो वर्ड है वो है मिक्स्ड. तो मिक्स्ड इज ए टाइप ऑफ नर्व ओके. तो नर्व का वो टाइप है एंड इट इज नॉट अ टाइप ऑफ द न्यूरॉन ओके. तो दैट्स व्हाई द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा मिक्स्ड वर्ड ओके. चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन क्या रहा है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्राइटेड मसल क्या है? तो यहाँ पे फिर से नेचुरली आपको डेफिनेशन भी पूछ लिया है ओके. तो हु इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्राइटेड मसल? हमें मालूम है वो है आपका सार्कोमियर. लेकिन सार्कोमियर जो है वो ऑप्शन ही नहीं है. अभी आपको ये मालूम चाहिए कि सार्कोमियर का एक एनसी लोकेशन क्या है. इट इज बिटवीन द टू जेड लाइन. तो दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है उसको सार्कोमियर कहते हैं. तो इनडायरेक्टली यहाँ पे सार्कोमियर का क्या है कैरेक्टरिस्टिक बताया. इट इज अ पोर्शन ओके. जैसे हमने देखा था फाइबर, ये है आपका द स्मॉलेस्ट फाइबर जिसको आपका कहते हैं मसल फिब्रिल. तो उसमें ये है आपका थिक फिलामेंट्स जिसको मायोसिन कहते हैं, और इसी के अंदर होते हैं थिन फिलामेंट्स. और थिन फिलामेंट जिस प्लेट से निकलते हैं उसको कहते हैं जेड लाइन. तो एक लेफ्ट साइड से आ रहा है और दूसरा आपका राइट साइड से निकल रहा है ओके. तो दो जेड लाइन के बीच का जो पोर्शन है उसी को हम लोग सार्कोमियर कहते हैं. तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका है पोर्शन बिटवीन टू एडजेसेंट जेड लाइन, क्योंकि यू में राइट ए बैंड एंड यू कैन सी आई बैंड जो रॉन्ग हो जाएगा ओके. चलो तो पोर्शन बिटवीन टू जेड लाइन इज द सार्कोमियर एंड सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्ट्राइटेड मसल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अभी क्या रहा है. दिस इज नॉट वन ऑफ द कवरिंग मेंबर्स ऑफ द नर्व फाइबर. तो नर्व फाइबर्स कैसे बनते हैं? एक्सॉन जो है वो बंडल बनाते हैं और उनसे बनता है नर्व फाइबर्स. और नर्व फाइबर्स को एक प्रोटेक्टिव शीट दिया जाता है, कनेक्टिव टिश्यू का शीट दिया जाता है. तो इन शीट्स को हम लोग न्यूरियम कहते हैं ओके. तो अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कवरिंग मेंबर नहीं है, कनेक्टिव टिश्यू मेंबर नहीं है. जैसे अभी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा फाइबर एक्चुअली रहता है वो है एक्सॉन. ये एक्सॉन फाइबर है, उसको माइलिन शीट का कवर होता है. ऐसे बहुत सारे एक्सॉन मिलके एक बंडल बनता है. सो दिस इज द एक्सॉन का ये बंडल.
तो एक्सॉन को जो बंडल बना तो उसको जो कवर मिलता है दैट कवर इज द एंडोन्यूरियम। फिर ऐसे बहुत सारे बंडल्स बनते हैं, उनके बीच में जो स्पेस है उसके बीच में भी यहाँ पे स्पेस रहेगा, इस स्पेस में जो कनेक्टेड टिश्यू होता है उसको कहते हैं पेरिन्यूरियम। और ये सारे के सारे बंडल जो है मिलके बनता है आपका व्हाट, ए सिंगल कंप्लीट नर्व बंडल पूरा, उसका जो कवर है उसको कहते हैं एपिनियम। तो एपी को मतलब होता है आउटर, ओके, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द नर्व फाइबर। तो इसके लिए अभी देखो एक और हिंट है, मायो का मतलब होता है मसल, ओके, एंड मायोन्यूरियम जो है इट इज नॉट ए कवरिंग। तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका है मायोन्यूरियम, ओके। चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स इज नॉट रिलेटेड विद स्मूथ मसल फाइबर। तो स्मूथ मसल फाइबर से कौन सा कैरेक्टर रिलेटेड नहीं है, तो कैरेक्टर देखना पड़ेगा। तो स्मूथ मसल फाइबर्स के या तो फंक्शन वाला कैरेक्टर रहेगा, स्ट्रक्चर वाला कैरेक्टर रहेगा, ओके। तो पढ़ लीजिए, देखिए पढ़ लीजिए, ट्राई टू यू कैन सी जज द आंसर। तो स्मूथ मसल फाइबर आपको मालूम है, इट इज इलोंगेटेड, है ना, हैविंग यू कैन सी न्यूक्लियस इन द सेंटर, और उसमें बैंड्स नहीं होता है। तो देखिए स्पिंडल शेप इलोंगेट सेल, ये तो कैरेक्टर है। मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर इज एब्सेंट, यस, सिंगल न्यूक्लियस होता है। लाइट एंड डार्क बैंड सीन प्रोमिनेंटली, नहीं, लाइट बैंड डार्क बैंड होता ही नहीं है। एंड फाइबर्स आर जनरली अनब्रांच, ये भी करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर आउट ऑफ द फोर ऑप्शन इज द सी, लाइट एंड डार्क बैंड आर सीन प्रोमिनेंटली, इट इज नॉट सीन प्रोमिनेंटली, इसके लिए ये राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट, जंक्शन बिटवीन सवान शेल, वेरी इजी, उसको कहते हैं आपका रणवीर सिंह का नोड, ओके, इट इज नॉट रणवीर सिंह, इट इज नोड ऑफ रणवीर, ओके। तो रणवीर नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिफाइन किया था, अगर रणवीर सिंह ने किया होता तो नेचुरली उसका नाम नोड ऑफ रणवीर हो जाता। आप भी कीजिए, अगर आपका सरनेम सिंह है तो नोड ऑफ सिंह हो जाएगा, ओके, कुछ तो भी ऐसा डिस्कवर कर सकते हैं आप, ओके। सो शवान सेल्स जो एक्सॉन फाइबर को रैप करते हैं तो छोटा सा गैप यू कैन सी बन जाता है, तो उस गैप को नोड ऑफ रणवीर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द मेनी शॉर्ट एफरेंट प्रोसेस ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ कंडक्शन। तो यहां पे देखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा इनडायरेक्ट किया है, बेसिक यूनिट ऑफ कंडक्शन ये कैसे बताओ, बेसिक यूनिट ऑफ कंडक्शन कौन है, आपका न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन, तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन हैज अ साइटोन पार्ट, जो क्या साइटोन, जिसमें से शॉर्ट प्रोसेस निकलते हैं, शॉर्ट प्रोसेस के होते हैं ब्रांचेस, ये शॉर्ट प्रोसेस हो गया, और फिर एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो लॉन्ग प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सॉन। तो शॉर्ट प्रोसेस है उसको एफरेंट प्रोसेस कहते हैं, तो एफरेंट प्रोसेस को क्या कहते हैं, डेंड्रॉन कहते हैं, ओके। तो यू मे गेट कंफ्यूज विद डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट, तो यहाँ पे एफरेंट प्रोसेस, तो मेन प्रोसेस इज डेंड्रॉन, उसके जो ये ब्रांचेस है इन ब्रांचेस को हम लोग डेंड्राइट कहते हैं। तो दे आर नॉट आस्क्ड अबाउट यू कैन सी ब्रांचिंग, जिसको आर्बोरेशन कहते हैं, आर्बोरेशन, आर्बोर मतलब ट्री जैसा ब्रांचिंग, आर्बोर का मतलब ट्री होता है, ओके। अगर इधर ऐसा आता द मेनी शॉर्ट यू कैन सी आर्बोरेशन इज कॉल्ड, तब आपका डेंड्राइट आंसर होता, तो इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है डेंड्रॉन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मसल इज सिनसाइटियल। अब सिनसाइटियल कंसेप्ट को फिर से मैं आपको बताता हूँ, तब आपको इमीडिएटली समझ जाएगा। तो सपोज दिस इज वन सेल, इसके बाजू में दूसरा सेल है, एंड दे आर अरेंज इन ए लीनियर फैशन लाइक दिस, और नेचुरली अभी पांच सेल दिखाया है, एवरीबडी हैज वन वन न्यूक्लियस ईच। तो अगर इन बीच, इनके बीच का ये जो जंक्शन है ये डिसॉल्व हो गया, तो कॉमन ऐसा लंबा सेल बन जाएगा, और जिसमें यू कैन सी दिस फाइव न्यूक्लियस विल रिमेन सस्पेंडेड। तो यहाँ पे क्या हो गया, कॉमन सिन मतलब टुगेदर, सिन का मतलब कंबाइन होना या टुगेदर होना, और साइटियल मतलब साइटोप्लाज्म, साइटियल मतलब रिलेटेड टू साइटो, तो कॉमन साइटोप्लाज्म हो गया, ओके। तो इससे नेचुरली एक और कंडीशन डेवलप होता है, दैट इज मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, तो एक मल्टी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है। तो ये स्ट्रक्चर जो है किस मसल फाइबर में रहता है, तो नेचुरली वी हैव स्टडीड इट इज फाउंड इन व्हाट, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल आर सिनसाइटियल, ओके, हैविंग मल्टी न्यूक्लियर व्हाट स्ट्रक्चर। और उसमें नेचुरली एक और फीचर अगर इसमें बता देंगे तो उसमें आपको क्या दिखने वाला है, उसमें दिखेगा आपको अल्टरनेट, यू कैन सी लाइट बैंड डार्क बैंड, लाइट बैंड डार्क बैंड लाइक दिस दिखेगा,
तो द स्ट्राइशंस आर सीन, तो ये आपका एक बन गया आपका सिंगल, यू कैन सी व्हाट, स्ट्राइटेड मसल, स्ट्राइटेड मसल फाइबर तैयार हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट, जेड लाइन ऑफ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ स्ट्राइटेड मसल आल्सो इज कॉल्ड विच मेम्ब्रेन। ओके तो नेचुरली जेड का मतलब क्या है, उसके बहुत सारे ऑप्शंस है, डोबी लाइन कहते हैं, तो देखिए ये ऑप्शन है कि नहीं, हैंसन लाइन तो नहीं है, निसल लाइन भी नहीं कहते हैं, अभी दो में आप कंफ्यूज होंगे, जीमैन, जीमैन कंफ्यूज करने के लिए दिया है, जेड लाइन को क्रॉजी लाइन भी कहते हैं, ओके, और जीमैन खाली कंफ्यूज करने के लिए कर दिया, क्योंकि जेड एक्चुअली अगर स्टूडेंट का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो जेड को जीमैन से रिलेट करेगा और जीमैन डाल देगा, ओके, और उसका हो जाएगा जीमैन जीमैन, ओके, तो करेक्ट आंसर इज क्रॉजीज मेम्ब्रेन, व्हिच इज द अदर नेम ऑफ जी लाइन, ओके, उसको डूबी लाइन भी कहते हैं, ओके, चलिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट, तो सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कौन सा टिश्यू है, तो दिस टिश्यू है आपका कार्डियक मसल, एज यू कैन सी यहाँ पे एक मसल फाइबर है, दूसरा मसल फाइबर है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा, दे आर एक्चुअली क्रॉस लिंक्ड, देयरफॉर क्रॉस ब्रिजेस, ओके, तो चलिए ए बी सी को आपको आइडेंटिफाई करना है, सो वेरी इजी, तो ए क्या है, ए तो एक इज सीन एज द स्ट्राइशन, तो ए स्ट्राइशंस है, साइनोसॉइड्स तो नहीं है, मायोप्लाज्म हो सकता है, ओके, तो फिर अगर आपको मायोप्लाज्म और स्ट्राइशन में थोड़ा सा कंफ्यूज रहे तो फिर नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, बी क्या है, बी इज दिस पार्ट, तो ये देखिए ये एकदम सिंपल है, इंटरकनेक्टेड इज, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं है, ओके, सो अल्टीमेटली फिर सी क्या है, ये स्पेस जो आपको दिख रहा है, फाइबर जहां पे ब्रांच होते हैं तो स्पेस क्रिएट होता है, इसमें ब्लड रहता है, उसको ब्लड साइनोसॉइड्स कहते हैं, और डी इज जनरली वेरी इजी न्यूक्लियस, तो डेफिनेटली करेक्ट आंसर है आपका सी, सी इज द करेक्ट आंसर, तो इन डायग्रामेटिक केस यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ओके, क्योंकि हो सकता है तीन ऑप्शन करेक्ट होंगे, एक ही ऑप्शन की वजह से आपको राइट आंसर यू कैन सी सिलेक्ट करना पड़ेगा, ओके, चलिए नेक्स्ट, द नेचर ऑफ इंपल्स ट्रेवलिंग थ्रू न्यूरॉन इज, तो न्यूरॉन के थ्रू जो इंपल्स ट्रांसमिट होता है वो कैसा रहता है, नेचुरली दिस इंपल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल, क्योंकि पार्शियली वो इलेक्ट्रिकल होता है और पार्शियली वो कहता है केमिकल, तो इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स फ्लो थ्रू द न्यूरॉन, ओके, तो इलेक्ट्रिकल जब वो डेंड्रॉन से एक्सॉन तक पहुंचता है, वो एक एक्सॉन से जब दूसरे डेंड्रॉन तक ट्रांसमिट होता है, तब आपका न्यूरोट्रांसमीटर दैट इज आपका एसिटिल कोलिन रिलीज करना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोकेमिकल। Which of the following is odd man with respect to origin? तो origin के हिसाब से मतलब कौन सा cell? अभी देखिए ये सारे cells जो हैं ये आपके nervous tissue से related है, okay? तो इसमें कौन सा है? वो है neurosecretory cells. बाकी जितने भी cells हैं they are having common origin. Neurosecretory cells जो है they are modified cells. चलिए next. This is the most important. This is one of the important peculiarity of the cardiac muscle. अभी दो दो options हैं, तो naturally you have to be very careful. तो cardiac muscle का अभी picture आपने देखा था, तो striations है, peripheral nucleus तो होता है. तो ये तो characteristic है, लेकिन आपको most important peculiarity बताना है. तो first option is a peculiarity. Second क्या है? Neurogenicity and branch. तो उसको nervous system that is से आपको मिलता है. सिग्नल और साथ में वो ब्रांच है, ओके, ये भी करेक्ट है, देन आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, ये भी एक्चुअली मसल का तो ये बेसिक है, फिर इंटरकनेक्टेड डिस्क और मायोजेनेसिटी मींस व्हाट, कि जो दो सेल्स है कार्डियक सेल्स जो हमने अभी बताया था डायग्राम से, मैं आपको अभी शो करता हूं, सो तो ये आपका एक सिंगल कार्डियक मसल है, इसमें तीन इंडिपेंडेंट सेल्स हैं, न्यूक्लियस हर एक में रहेगा, ये दूसरा आपका कार्डियक फाइबर यहाँ पे दिखा दिया, उसके भी इंडिविजुअल सेल्स हैं, एंड दे आर एक्चुअली क्रॉस ब्रिज्ड लाइक दिस, और जो दो सेल जहां पे कनेक्ट रहते हैं वहां पे होता है एक सेल जंक्शन जिसको इंटरकैलेटेड डिस्क कहते हैं, ओके, जो एक दूसरे के साथ इंटरलॉक कर देता है दो कार्डियक मसल्स को, यानी कि ऐसे है कि दोनों कार्डियक मसल के जो एंड्स है वो ऐसा आप दो फिंगर की तरफ देखें, तो एक कार्डियक मसल के एंड का फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दूसरे कार्डियक मसल के फिंगर लाइक स्ट्रक्चर के साथ इंटरलॉक हो जाता है,
और इससे ये होता है कि एक सेल को अगर सिग्नल मिलेगा वो रैपिडली आजू बाजू के जितने भी सेल्स हैं उन तक पहुंच जाता है, एंड दैट्स व्हाई कॉन्ट्रैक्शन बिकम वेरी फास्ट। ओके, और साथ में हार्ट जो है वो खुद अपनी एबिलिटी से क्या है, सिग्नल जनरेट करता है, दैट्स व्हाई उसको मायोजेनिसिटी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड मायोजेनिसिटी। मायो मतलब मसल, तो हार्ट मसल जनरेट्स द इंपल्स फॉर इट्स हार्ट बीट इटसेल्फ, इसके लिए उसको मायोजेनिसिटी कहते हैं। और उसको नर्व का भी कैन सी व्हाट इनर्वेशन होता है। ओके, बेसिकली आउट ऑफ ऑल दिस फोर ऑप्शन सबसे इंपॉर्टेंट पिक्युलैरिटी, क्योंकि ये पिक्युलैरिटी जो है ये आपको बाकी मसल्स में नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स का सबसे प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, तो उसका डिस्कशन पहले हो गया था, तो यू हैव टू जस्ट रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस वेरी केयरफुली। So they are non-sensory supporting or secretory cells. Okay, so this is the correct definition about neuroglial cells. So they don't sense anything, they don't conduct any impulse. हाँ, वो support करते हैं impulse को neuron के through pass होने में. Okay, जैसे Schwann cells है आपका, oligodendrites है, वो support करते हैं, protect करते हैं, and some of them secrete growth chemical. जैसे Schwann cell produce करता है myelin sheath. चलिए next. इन शीटिंग मतलब कवरिंग ऑफ मसल वाया फाइब्रस कैप्सूल क्या कहते हैं, तो मसल जो है नेचुरली उसको भी कवरिंग रहता है कनेक्टिव टिश्यू का, जो सबसे बाहर वाला कवर रहता है उसको कहते हैं फैशिया, क्या कहते हैं फैशिया, और सिंगल सिंगल जो बंडल्स बनते हैं छोटे छोटे बंडल उसको पेरीमाइसियम कहते हैं। सो आउटर मोस्ट जो फाइब्रस कनेक्टिव यू कैन सी कैप्सूल होता है उसको फैशिया कहते हैं, मसल फैशिया भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट, टीलोडेंड्रॉन्स द टर्मिनल पार्ट ऑफ द एक्सॉन उसमें क्या रहता है, उसका भी देखो अभी हमने जब इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स का टॉपिक लिया था अभी, ओके, उसमें बताया था, तो इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है और वो है आपका एसिटिल कोलीन। तो एसिटिल कोलीन इज प्रेजेंट इन द टीलोडेंड्रॉन और टीलोडेंड्रॉन का टर्मिनल पार्ट है आपका एक्सॉन नॉब, तो एक्सॉन नॉब में होता है द वेसिकल्स और इस वेसिकल्स में होते हैं आपके एसिटिल कोलीन। तो अगर आप कैन सी आप एक एक्सॉन टर्मिनल लेते हैं तो ये आपका वो एक्सॉन का टर्मिनल है जिसको टीलोडेंड्रॉन कहते हैं, इसके टिप में होता है आपका नॉब और इसमें छोटे छोटे वेसिकल्स रहते हैं जिसमें होता है आपका न्यूरोट्रांसमीटर एसिटिल कोलीन। ओके, और यही एसिटिल कोलीन अभी नेबरिंग नेक्स्ट जो आपका न्यूरॉन है उसके डेंड्रॉन के साथ क्या है एसोसिएट होके ट्रांसफर कर देता है सिग्नल। ओके, तो एक्सॉन के टर्मिनल सरफेस से डेंड्रॉन के इनिशियल सरफेस तक एक्चुअली एक केमिकल ट्रांसमिट हो जाता है इधर, तो इस तरह एक न्यूरॉन का सिग्नल दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर हो जाता है, इसके लिए इसको इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल सिग्नल कहते हैं। इस हिस्से तक क्या है आपका इलेक्ट्रिकल इंपल्स चल रहा है या फ्लो हो रहा है और इस पॉइंट में इस पॉइंट से एक्सॉन टर्मिनल से लेके आपका डेंड्रॉन का जो कैंसी इनिशियल पार्ट है जिसको डेंड्राइट कहते हैं वहां पे केमिकल कैंसी ट्रांसमिशन हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है, तो यू हैव टू रीड ईच एंड एवरी सेंटेंस वेरी केयरफुली वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि एक सिंगल वर्ड की वजह से आपको राइट आंसर मिलेगा। तो स्केलेटल मसल्स आर प्रोन टू फटीग, वो जल्दी थक जाते हैं, एंड शो स्लो कॉन्ट्रैक्शन, तो देखिए स्लो कॉन्ट्रैक्शन है या नहीं। फिर कार्डियक मसल आर स्ट्रक्चरली स्केलेटल, तो दिखने में वो स्केलेटल मसल कितने हैं स्ट्रिप्ट होते हैं लेकिन फंक्शनली दे आर विसरल, बराबर है, ये कार्डियक मसल का पॉइंट एकदम परफेक्ट करेक्ट है। एसोसिएशन ऑफ इंटरन्यूरॉन आर प्रेजेंट ओनली इन नर्व सेंटर, यस, जहाँ पे नेचुरली एसोसिएशन करना है अंडरस्टैंडिंग करना है सिग्नल को वहाँ पे रहते हैं। देन मोस्ट अबाउट एबंडेंट, सबसे ज्यादा सपोर्टिंग सेल्स ऑफ न्यूरॉन आर एस्ट्रोसाइट्स, यस दे आर ऑल्सो करेक्ट। तो आपका अल्टीमेटली पहला जो ऑप्शन है वो है राइट आंसर, क्योंकि स्लो की जगह पे होना चाहिए था फास्ट। तो स्केलेटल मसल जो है वो जल्दी थक जाते हैं लेकिन जब उनको सिग्नल मिलता है दे कॉन्ट्रैक्ट वेरी फास्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट, अब हम आ रहे हैं लेवल एकेंसी थ्री पे, इनकरेक्ट आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट टिश्यू टाइप। इनकरेक्ट टिश्यू टाइप इसमें से कौन सा है, जैसे स्मूथ मसल
आपके गट वॉल में इंटेस्टाइन मतलब आपका डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, एंडोमेट्रियम में होता है, ब्लड वेसल में, तो ये करेक्ट है. ओके, एंड कार्डियक मसल जो होता है वो मायोकार्डियम मतलब आपका हार्ट का मिडल लेयर उसमें होता है, ये भी करेक्ट है. इसमें ऑरिकल और वेंट्रिकल द टू मेन चेंबर्स, अपर चेंबर ऑरिकल, लोअर चेंबर वेंट्रिकल, ये भी करेक्ट है. गैंग्लियंस दे आर द क्लस्टर ऑफ साइटॉन इन PNS एंड ANS, ये भी करेक्ट है. तो अल्टीमेटली ये होना चाहिए आपका राइट आंसर. नर्व ट्रैक्ट बोला है, इट इज अ बंडल ऑफ नर्व फाइबर इन PNS ANS, नहीं, इट इज द नर्व ट्रैक्ट उन फाइबर्स को कहते हैं जो आपके CNS यानी कि ब्रेन के अंदर रहते हैं. तो इसके लिए करेक्ट आंसर यहाँ पे है नर्व ट्रैक्ट, क्योंकि ये ऑप्शन एक्चुअली इनकरेक्ट है. चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद सार्कोमियर, तो कौन सा इसमें से जो एस्पेक्ट है वो सार्कोमियर से रिलेटेड नहीं है. तो देखिए पहला एनिसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक बैंड होता है, ए बैंड, आई बैंड या डार्क बैंड एंड लाइट बैंड होता है, एच लाइन और जेड लाइन होता है, यस. देन मायोसिन फिलामेंट होते हैं, एक्टिन फिलामेंट होते हैं, रेटिकुलम होते हैं क्या नहीं सोचते हैं. लास्ट में दिया है सार्कोलेमा द आउटर कवरिंग, इलेक्ट्रिकल सेंसिटिव, और सार्कोप्लाज्म द अंदर का फ्लूइड, ये होता है. तो अल्टीमेटली आंसर आपका मिला सी. तो सी में एक्चुअली रेटिकुलिन फिलामेंट्स डाल दिया है जो एब्सेंट रहते हैं. तो मसल में दो इंपॉर्टेंट फिलामेंट रहते हैं, मायोसिन एंड एक्टिन, रेटिकुलिन की जरूरत ही नहीं है. तो इसके लिए करेक्ट आंसर आपका है सी ऑप्शन, मायोसिन एक्टिन एंड रेटिकुलिन फिलामेंट में एक्चुअली रेटिकुलिन फिलामेंट्स की वजह से आंसर रॉन्ग हो गया. चलिए नेक्स्ट, रीड द फोर स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो इधर भी आपको हर सेंटेंस को ठीक से देखिए, ट्रू एंड फॉल्स करने की कोशिश करना है आपको. ओके, तो कार्डियक मसल शोज बोथ मायोजेनेसिटी एंड न्यूरोजेनेसिटी, मतलब मायोजेनेसिटी मतलब जो सिग्नल है हार्ट के फंक्शनिंग के लिए, वो हार्ट खुद डेवलप करता है. मायो मतलब मसल, तो हार्ट हैज ए स्पेशल नोडल टिश्यू और उसको नर्व सप्लाई भी किया जाता है. ओके, देन विसरल मसल हैव सेंट्रल न्यूक्लियस एंड ANS control, then cyton is also called basal body, तो basal body नहीं कहते हैं, cell body कहते हैं. Schwann cell secrete fatty insulin around axon, yes, उसी को हम लोग myelin sheath कहते हैं. तो चलिए अभी आपको correct option को select करना है. All statements are correct, ये तो possible नहीं है. Only 1 and 3 correct या 1 and you can see are incorrect. Okay, तो देखिए कैसा confuse करने के लिए आपको option दिया है. Only 3 is incorrect. ओके, तो करेक्ट आंसर है आपका 1 and 3 आर इनकरेक्ट. तो पहला ऑप्शन और जो आपका तीसरा ऑप्शन इज इनकरेक्ट. उसका कारण है कि कार्डियक मसल जो है मायोजेनेसिटी, यहाँ पे मतलब है आपका कि हार्ट का जो इनिशिएशन है वो मसल, हार्ट के मसल खुद करते हैं, तो ब्रेन से सिग्नल नहीं आता है. तो ब्रेन से अगर हार्ट मसल को कंट्रोल करने का सिग्नल आता है तो उसको न्यूरोजेनेसिटी कहते हैं. ओके, तो कार्डियक मसल शोज मायोजेनेसिटी एंड ऑटोरिदमिसिटी, उनको नर्व सप्लाई होता है. जैसे मैंने पिछले ऑप्शन बताया, इट हैज गॉट द नर्व सप्लाई फ्रॉम ANS, ओके, बट द हार्ट का जो इनिशिएशन है, हार्ट बीट का इनिशिएशन, वो हार्ट खुद अपने एबिलिटी से करता है, दैट इज कॉल्ड मायोजेनेसिटी. ओके, चलिए नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चेंजेस इन मसल फाइबर फ्रॉम रिलैक्स टू कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट, यानी कि मसल फाइबर जब रिलैक्स स्टेट में रहते हैं, नॉर्मल स्टेट जो मसल फाइबर का होता है वो रिलैक्स होता है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो इस दौरान क्या चेंजेस आता है. तो लेंथ ऑफ द सार्कोमियर रिमेन्स द सेम, नहीं. लेंथ ऑफ द थिक एंड थिन फिलामेंट चेंजेस, नहीं. द मायोसिन क्रॉस ब्रिजेस मूव ऑन द सर्फेस ऑफ एक्टिन, ये है आपका राइट आंसर. ओके, तो दिस पार्ट यू विल अंडरस्टैंड इन मोर बेटर जब हम लोग मूवमेंट्स एंड लोकोमोशंस को स्टडी करेंगे. तो यहाँ पे नेचुरली हमने इसको क्या किया है, खाली इंट्रोड्यूस किया है, बिकॉज सार्कोमियर में होता यह है कि एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट एक दूसरे के अंदर क्या है, ग्लाइड होते हैं. ओके, और जब वो ग्लाइड होते हैं तो उनका जो रिलेटिव लेंथ है वो कम नहीं होता है. ओके, और इसमें मायोसिन में क्रॉस ब्रिज होता है जो एक्टिन के सर्फेस पे मूव करते हैं. तो इसको मैंने आपको यू कैन सी ब्रीफ में मैंने अपने लेक्चर में बताया था. ओके, चलिए नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ न्यूरॉन इज, तो न्यूरॉन का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है, और इसी फीचर की वजह से इट इज एबल टू रिसीव द सिग्नल एंड ट्रांसमिट द सिग्नल. तो नेचुरली कौन सा लग रहा है आपको राइट आंसर,
तो आपको लगेगा सारे एजेंसी राइट आंसर है, नहीं, सबसे इंपॉर्टेंट है इट कैरीज, तो मैंने आपको हिंट बताया, इट रिसीव द सिग्नल एंड ट्रांसमिट द सिग्नल। रिसीव करने वाला जो प्रोसेस है उसको कहते हैं एफरेंट, दैट इज डेंड्रॉन, और ट्रांसमिट करने वाला आपका है इफरेंट, दैट इज एक्सॉन। तो सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ एफरेंट एंड इफरेंट प्रोसेस, जिसकी वजह से न्यूरॉन एक स्टार शेप जैसा सेल बन जाता है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट यू कैन से स्ट्रक्चरल फीचर है न्यूरॉन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यूनिपोलर न्यूरॉन्स आर जनरली सेंसरी विद वन सेल प्रोसेस, ये तो करेक्ट है भाई। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड ओनली इन सीएनएस, ये भी करेक्ट है। फिर बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन रेटिना, ये पार्ट करेक्ट है, लेकिन वो मोटर है, ये रॉन्ग है, वो सेंसरी है। एंड एसोसिएशन न्यूरॉन को हमको मालूम है वो प्रोसेसर और इंटर न्यूरॉन भी कहलाते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका है बाइपोलर न्यूरॉन्स आर प्रेजेंट इन रेटिना एंड दे आर मोटर, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन अभी आ गया, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मसल इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे आपको देखना है मसल से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो चलिए पढ़ लीजिए, स्ट्राइशंस आर फाउंड इन मायोकार्डियम, यस मायोकार्डियम द हार्ट और बाइसेप, दैट इज अ स्केलेटल मसल में होता है। विसरल मसल्स आर अरेंज्ड इन बंडल और लेयर, ये भी करेक्ट है। मसल फाइबर्स आर जनरली इलॉन्गेटेड, यस ये भी करेक्ट है। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल मसल, नहीं, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन यूनिट ऑफ आपका स्केलेटल मसल। तो इसके लिए राइट आंसर आपका है सी। तो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड सम ऑफ द इंपॉर्टेंट यू कैन सी व्हाट ट्रिकी एमसीक्यूज। ओके, और इसका इन सारे एमसीक्यूज को जो हमने स्टडी किया, तो इससे ये बात पता चलती है कि हमें रीडिंग पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से करना है, क्योंकि जो फंडामेंटल पार्ट है, तीन गोल्डन रूल्स है, रीड करना है कंटेंट को, हर चैप्टर को करना है, अंडरलाइन कीजिए रीड करते करते, हर सेंटेंस जो है पोटेंशियल एमसीक्यू है। ओके, और साथ में जहाँ पे भी डाउट है उसका क्लैरिफिकेशन आपको करना है, क्वेश्चन मार्क करके रखिए, एंड यू हैव टू सॉल्व दिस डाउट बाय एनी मेथड यू कैन डू। तो आपको डाउट जो है सिंगल सिली वर्ड का भी डाउट रहेगा, कंसेप्ट का डाउट है, उसको क्लैरिफाई करना है। तो